हेलो स्टूडेंट, माई सेल रिंकेश कुमार गुप्ता। तो आज अपन डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स कैंप का टेस्ट पेपर 8। देखो, इस पेपर में टोटल अपने वही सेम 30 क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट 25 क्वेश्चन सेक्शन ए में है और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन सेक्शन डी में है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, और इसमें टॉपिक आपका कवर्ड है पॉइंट स्टेट लाइन और पेयर ऑफ स्टेट लाइन। तो देखो, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है, ए पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई मूव्स शो दैट दी सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम पी टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू दी डिस्टेंस फ्रॉम पी टू दी पॉइंट ए दिस पार्ट देन लोकस ऑफ पी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला गया है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है आपके पास पी, पॉइंट पी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस पॉइंट पी का क्या बताना है आपको लोकस, तो अपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेट किया, एक्स को बताना है, एक्स एंड वाई बहुत आर पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है पी इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो आगे क्या करना है, सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम पी टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉइंट पी की एक्स से डिस्टेंस और वाई से डिस्टेंस का जो समय, तो पॉइंट पी की एक्स से डिस्टेंस क्या होगी, दिस पार्ट वाई और दिस पार्ट इज एक्स, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे, मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू बोला गया है आपसे सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम पॉइंट पी टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी की ए से डिस्टेंस के क्या इक्वल है, तो पॉइंट पी एक्स वाई की 1,1 से डिस्टेंस क्या होगी, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर। अब देखो एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, तो इसकी स्क्वायरिंग करें आप, तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू आ गया, इसकी स्क्वायरिंग कर दो अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस टू, तो इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो देन रिमेनिंग पार्ट आ गया आपका है ना, सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, तो ये आ गया 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2xy इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया, x प्लस y प्लस xy इक्वल टू 1। अब आप देखो जिस फॉर्मेट में ऑप्शंस गिवन है, तो उसमें क्या करो आप, 1 ऐड करो और 1 सेपरेट कर दो, तो 1 अपन राइट पार्ट में भी ऐड कर देते हैं, तो फिर आप इसकी कर सकते हो फैक्टर, 1 प्लस एक्स को तो रखो एक साथ और थर्ड और फोर्थ में कॉमन लो आप y, तो ये भी आ गया x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, तो एक फैक्टर तो आ गया 1 प्लस x और सेकेंड फैक्टर आ गया 1 प्लस y, तो क्या आंसर आ गया, 1 प्लस x 1 प्लस y इक्वल टू 2, तो देन आपको इसका सेकेंड ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया बेटा आपसे, लेट ए टू कोमा माइनस थ्री एंड बी टू माइनस टू कोमा वन, पॉइंट ए और बी पॉइंट बी आपको गिवन है, विद दी वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, इफ दी सेंटर ऑफ डेल्टा एबीसी लाइज ऑन दी लाइन ऑफ दिस पार्ट, एक ट्राइंगल एबीसी के टू वर्टेक्स गिवन है आपको ए एंड बी, और जो ट्रायंगल का सेंटर है लाइज ऑन दिस लाइन देन लोकस ऑफ थर्ड वर्टेक्स, तो आपको थर्ड वर्टेक्स सी का क्या बताना है लोकस, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे करते हैं इसको, ये लेट एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, पॉइंट ए मेंशन किया गया है 2 कॉमा माइनस 3, पॉइंट बी बोला गया है माइनस 2 कॉमा 1, पॉइंट सी का लोकस बताना है, तो जिस पॉइंट का क्या करना है लोकस, उसको लेट करते हैं एच कॉमा के, ये लेट करने के बाद क्या बोला गया कि इसका सेंटर लाइज ऑन दी लाइन दिस पार्ट, ये इसका सेंटर इस पे होगा और एक किस लाइन पे लाई करता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, तो सिंपल से एक काम करो ना, आपको h k में क्या चाहिए रिलेशन, तो उसके लिए क्या करें, ट्रायंगल के थ्री वर्टेक्सेज हैं तो देन वी कैन राइट नाउ सेंट्रोइड, और उस सेंट्रोइड को पुट करोगे इस लाइन में, सिंपल, तो देखो सेंट्रोइड का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 2 माइनस 2 जीरो प्लस एच, तो क्या गया 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस एच वाई 3, तो क्या गया एच वाई 3 प्लस
सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस प्लस माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू प्लस के वाई थ्री इक्वल टू क्या आ गया वन, ठीक है, तो थ्री से थ्री कैंसिल कर देते हैं या फिर थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया टू एच माइनस सिक्स प्लस थ्री के इक्वल टू थ्री, तो अल्टीमेटली से आ गया टू एच प्लस थ्री के इक्वल टू नाइन, तो आंसर लिखोगे आप टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू नाइन, तो ये इसका लोकस होगा, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू नाइन, तो देन इसका बेटा अगेन फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट, ए वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी लाइन दिस एंड दिस, एक वेरिएबल लाइन है वो टू गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या होती है, बोलो पास होती है, और उसके बाद वो लगा है मीट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, और जो ये बोथ लाइंस के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होगी वो कहां, वो एक्सिस को पॉइंट ए बी पे क्या करती है इंटरसेक्ट, देन फाइंड दी लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आपको ए बी के मिड पॉइंट का क्या बताना लोकस, तो एक काम करते हैं ये लेट फर्स्ट लाइन को लेट करो आप एल वन और सेकेंड लाइन को लेट करो लेट एल टू, तो क्या बोला गया है एल वन और एल टू के इंटरसेक्शन से लाइन पास होती है, तो अपन लिख सकते हैं एल वन प्लस लैम्डा एल टू के लिए यूजिंग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये अपन को पता है कि टू लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन को क्या लिखते हैं एल वन प्लस लैम्डा एल टू इक्वल टू जीरो, तो चलो वैल्यू पुट कर दो, तो एल वन का मीनिंग तो पुट करोगे एक्स प्लस टू वाई माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये आपकी क्या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, पर अब ये जो लाइन है ये एक्स और वाई को क्या करती है इंटरसेक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करो पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करो, इन दोनों में जब आप एक्स कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया वन प्लस टू लैम्डा, और दिस पार्ट और दिस पार्ट में बेटा वाई कॉमन लोगे तो ये आ गया टू माइनस लैम्डा इंटू वाई माइनस वन माइनस लैम्डा इक्वल जीरो, अब ये जो लाइन है वो क्या करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट, ये लेट पॉइंट ए है ये लेट पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए बी के मिड पॉइंट का क्या चाहिए लोकस, तो जिस पॉइंट का लोकस बताना है उसको क्या लेट करते हैं एच कॉमा के, तो इस मिड पॉइंट एम को लेट करो एच कॉमा के, तो देखो एच कॉमा के लिए लोकस के लिए क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए और बी पॉइंट को क्या करोगे फाइंड आउट, तो ए और बी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, पॉइंट ए को लाने के लिए इस लाइन में पुट कर दो वाई को जीरो, जैसे ही आप इस लाइन में वाई को जीरो पुट करोगे तो क्या जाएगा इससे x की वैल्यू गेट होगी आपको 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस टू लैम्डा, सिमिलरली जब आप x की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो ये तो क्या गया पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट, और पॉइंट b के y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे उसमें x को जीरो पुट करो, तो जब आप इसमें अगेन x को जीरो पुट करोगे तो इससे y गेट होगा आपके पास 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 माइनस लैम्डा, अब आपको करना क्या देखो पॉइंट एम क्या है ए और बी का मिड पॉइंट, तो एच का मीनिंग क्या होगा दिस प्लस जीरो बाई टू, तो ये आ गया टू एच इक्वल टू पॉइंट ए का एक्स कॉर्डिनेट, क्या आ गया बोलो ये तो टू एच की वैल्यू होगी, और सिमिलरली ये क्या होगी बोलो टू के की वैल्यू, बस सिंपल, अब आपको इन दोनों रिलेशन की हेल्प से लैम्डा को क्या करना है एलिमिनेट, तो देन वी विल गेट रिलेशन बिटवीन एच एंड के, तो आप एच और के में क्या करोगे रिलेशन को फाइंड आउट करोगे, तो एक काम करते हैं चलो देखो सिंपल मेथड तो ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से क्या कर दो डिवाइड, जब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस लैम्डा से 1 प्लस लैम्डा कैंसिल आउट, तो 2 माइनस लैम्डा चला जाएगा न्यूमेरेटर में, तो क्या आ गया 2 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू एच वाई के, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ एच के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ गया 2k माइनस लैम्डा के इक्वल टू एच प्लस टू एच लैम्डा, इन दोनों में लैम्डा कॉमन लेना है,
जब आप लैम्डा को मान लो, इस लैम्डा माइनस लैम्डा के को राइट में शिफ्ट करो तो ये आ गया 2h प्लस के इक्वल टू 2k माइनस h। तो इससे आपने लैम्डा की वैल्यू क्या फाइंड आउट की बोलो, 2k माइनस h अपॉन 2h प्लस k। और अब आप सिंपल क्या करें, इस लैम्डा की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो सेकंड में, तो चलो अपन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या पुट करोगे, 1 प्लस 2k माइनस h अपॉन 2h प्लस k अपॉन 1 प्लस 2 लैम्डा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, तो क्या आ गया 4k माइनस 2h अपॉन 2h प्लस k इक्वल टू क्या बोलो 2h। अब ध्यान दो, दिस पार्ट तो 1 से मल्टीप्लाई, दिस पार्ट 1 से मल्टीप्लाई, और दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, ये आ गया 2h और माइनस h प्लस h, k और 2k प्लस 3k अपॉन में क्या आ गया प्लस 2h माइनस 2h कैंसिल आउट, तो ये आ गया 5k इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, h को x से और k को y से, तो आ गया x प्लस 3y इक्वल टू 5 टू जा 10 x ऑफ y। तो रिलेशन आ गया, मतलब पॉइंट P, सॉरी इस पॉइंट M का जो लोकस है मिड पॉइंट, AB के मिड पॉइंट का लोकस क्या आ गया, x प्लस 3y माइनस 10 x y इक्वल टू 0। तो देन इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 क्या है, If A and B are any two points on the positive x and y axis respectively, A और B two points है, कहाँ positive x और positive y पे? ऐसे। ये point A है और let ये point आपका भी है positive x and positive y पे। Satisfy two OA, O इसमें origin है। तो जैसे क्या करो, इस point A को मैंने let किया A comma zero। और इस पॉइंट बी को लेट किया बेटा 0, तो क्या मीनिंग है कि OA की लेंथ और OB की लेंथ का सम आपको गिवन है, तो देन OA की लेंथ A है तो 2A प्लस 3B आपको 10, ये एक रिलेशन गिवन है A और B में। अब क्या पूछा गया है, इफ P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB, P आपका AB का मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आपको H K में क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन आपको H और K में रिलेशन। दोबारा सुनो, ये AB एक लाइन है, तो इस AB के मिड पॉइंट P का क्या बताना है लोकस, तो आप क्या करो मिड पॉइंट को लेट करो H को मांगे, तो क्या करें H के में रिलेशन लाना है, इसका मीनिंग आपको A और B को एलिमिनेट करना है, तो क्या करोगे, H का मीनिंग क्या होगा, A प्लस 0 बाई 2, तो H तो आ गया A बाई 2 और इससे सिमिलरली किया आ जाएगा B बाई 2, तो A की वैल्यू 2H और b की वैल्यू को 2k, जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या गया 4h प्लस 6k इक्वल टू 10, 2 कैंसिल करोगे तो रिलेशन क्या आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बोला गया एबीसी और उस ट्रायंगल में आपसे बोला गया बेटा साइड एबी हैज द इक्वेशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 29, जो साइड एबी है उसकी इक्वेशन क्या है 29, 2x प्लस 3y इक्वल टू 29, एंड द साइड एसी हैज द इक्वेशन दिस पार्ट, और आपको एसी साइड की भी क्या गिवन इक्वेशन, इफ द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज 5, 6 देन इक्वेशन ऑफ बीसी, और BC का मिड पॉइंट आपको गिवन है 5, 6, तो देन आपको BC की इक्वेशन को क्या करना फाइंड आउट। तो देखो कैसे करोगे, तो एक बार देखो इसका रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। ये ट्रायंगल है लेट ABC, इस BC का मिड पॉइंट आपको गिवन है कितना 5, इसका मतलब दोनों लेंथ आपकी इक्वल होंगी, तो आपको BC की इक्वेशन की, तो देखो सिंपल सा फंडा है, BC की इक्वेशन किसी भी एक लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, आपको दो वेरिएबल पता होना चाहिए, दो टू कंडीशंस,
फर्स्ट कंडीशन अगर पॉइंट गिवन है तो या तो इसका स्लोप पता चल जाए या फिर इस बीसी लाइन पे आपको एक पॉइंट और फाइंड हो जाए। तो देखो क्या करेंगे, अगर आपको बीसी का स्लोप मिल जाए तो अपन बीसी की इक्वेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते। तो देखो क्या किया इसके लिए, इस ए बी की इक्वेशन तो गिवन है आपके पास 2x plus 3y equal to 29, और बेटा इसकी इक्वेशन गिवन है आपके पास x plus 2y equal to 60। तो देखो इसके लिए क्या थिंक करो, ये आपका मिड पॉइंट है, तो एक काम करो ये बहुत लेंथ आप लेट करो r, कि दोनों की लेंथ इक्वल है, तो इसको आर्बिट्री लेंथ लेट किया r। तो इसमें यूज करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिंपल सा फंडा है, ये आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो गिवन पॉइंट से अगर गिवन डिस्टेंस पे आपको एक आर्बिट्री पॉइंट क्या करना, लाइन पे लेट, तो देन वी कैन यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जैसे लेट पॉइंट बी हो सकता है वो सी, तो क्या करोगे, जैसे पॉइंट सी आपका एक्स वाई, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस आर। टेकिंग प्लस पे सी पॉइंट मान लेना, तो टेकिंग माइनस पे पॉइंट बी लेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखते हैं अपन, x माइनस फाइव अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस सिक्स अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आपने लेट किया r, ठीक है। एक बार टेकिंग प्लस, वैसे लॉजिकली क्या आएगा, प्लस माइनस r, तो टेकिंग प्लस पे अगर आप पॉइंट c लेट करते हो तो देखो पॉइंट c क्या जाएगा, बोलो r cos थीटा, तो फाइव प्लस r cos थीटा कोमा सिक्स प्लस r sin थीटा, ये तो आ गया पॉइंट सी। सिमिलरली टेकिंग माइनस पे लिखते हैं पॉइंट ऑफ बी, तो पॉइंट बी क्या होगा, फाइव माइनस आर कॉस थीटा कोमा सिक्स माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। अब आप दीज पॉइंट्स आर लाइज ऑन दी लाइन वन बाई वन दिस पार्ट, पॉइंट सी आपका दिस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट सी को इस लाइन में पुट कर देते हैं। तो पॉइंट सी को जब इस लाइन में पुट करो तो क्या आ गया, फाइव प्लस आर कॉस थीटा, सुनो एक बार, ये आ गया 5 प्लस आर कोस थीटा, और दिस पार्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके पुट करो तो प्लस 12 माइनस 2 2 आर साइन थीटा इक्वल टू 16। देखो थोड़ा समझे, इन दोनों में r कॉमन, तो r कॉमन लगे तो क्या होगा, कोस माइनस 2 साइन इक्वल टू 12 और 5 17 तो माइनस के 1, लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दिस पॉइंट लाइज ऑन दी ए बी लाइन, तो इस पॉइंट बी को आप दिस लाइन में अगेन पुट करो, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पुट करोगे ना, तो क्या गया 10 माइनस 2 आर कॉस थीटा, इसको 3 से करना है तो 18 माइनस 3 आर साइन थीटा इक्वल टू 29। तो इससे क्या जाएगा, देखो वंस अगेन इसमें आप क्या करोगे, r कॉमन लोगे या माइनस r कॉमन ले लो बेटा, तो क्या आ गया 2c प्लस 3s इक्वल टू 18 10 28 29 होगा, तो 1 आ गया ना, तो 1 आने के लिए काम करो माइनस में लगा दो उसको, हटा के ये लो। अब आपको चाहिए क्या, ध्यान दे इस पैरामेट्रिक फॉर्म में जो cos थीटा और sin थीटा है ये क्या है, इस bc लाइन का जो स्लोप होगा tan थीटा उसका थीटा, ध्यान रखें BC लाइन का स्लोप कौन है, tan थीटा, तो इसके जो थीटा है वो साइन कोस को आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल एक काम करना, इन दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दो आप, तो डिवाइड करने पे क्या जाएगा, c माइनस 2s अपॉन 2c प्लस 3s इक्वल टू 1, तो सिंपलीफाई करने पे क्या आ गए, लिख देते हैं समझाने के लिए, c माइनस 2s अपॉन 2c प्लस 3s इक्वल टू 1, तो अल्टीमेटली आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो देन वी विल गेट टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1। इससे क्या आ गया, बोलो टेन थीटा माइनस 1 आ गया, मतलब बीसी लाइन का स्लोप क्या आ गया, माइनस 1। तो देन इक्वेशन ऑफ बीसी, पॉइंट आपको गिवन है, स्लोप माइनस 1 आ गया, तो क्या लिखोगे, वाई माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1 एक्स माइनस 6, तो कितना आ गया, माइनस एक्स इधर आके प्लस हो गया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस 6 और 5 11। तो इसका आंसर क्या फिल करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो bc की क्वेश्चन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेन पार्ट एक था कि आपको
पैरामेट्रिक फॉर्म से सोल्व करना ज्यादा चाहिए, अदरवाइज मेथड और भी हो सकते हैं। ठीक है, चले देखो, P lies on the line y equal to x and Q lies on the line this part. Then equation of the locus of the midpoint of PQ. Point P आपका y equal to x पे lie करता है और point Q y equal to 2x पे lie करता है। तो then आपको PQ line के midpoint का क्या बताना है locus? और condition given है कि PQ की जो length है वो आपको 4 given है। तो देखो simple एक काम करते हैं, आप इस y equal to x पे एक point let करो P। तो क्या लेट करें, अगर x कोऑर्डिनेट को अल्फा लेट किया तो y भी क्या होगा, अल्फा, तो कि y इक्वल टू x लाइन है। तो आपने पॉइंट p तो कंसीडर किया अल्फा कोमा अल्फा, सिमिलरली आपको पॉइंट q लेना है, तो q के लिए क्या करो, इस बार q पॉइंट लाई जो y इक्वल टू x, तो इसमें क्या करें, पॉइंट q का y कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट अगर आप बीटा लोगे तो y क्या जाएगा, 2 बीटा, ये लो। तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो PQ जो सेगमेंट है, P गिवन है, Q लेट किया आपने, इसका मिड पॉइंट कंसीडर करो H, M, H कॉमा K। तो आपको H और K में क्या अच्छी रिलेशन, तो क्या लिख सकते हैं, H का मीनिंग पॉइंट P और Q के X कोऑर्डिनेट का समेशन, तो H तो आ गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और सिमिलरली तो क्या आ गए, 2H इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्या लिखोगे, K इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, तो अल्टीमेटली आ गया 2 के इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखो कैसे करें इस क्वेश्चन को, PQ की जो लेंथ है वो 4 गिवन है, तो P और Q के बीच की डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो पॉइंट P और Q पे, तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो देखो सोल्व करने पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर तो आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर आ गया 5 बीटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया माइनस के 2 अल्फा बीटा माइनस के 4 अल्फा बीटा, तो माइनस के 6 ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 16। अब आपको अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना, तो एक काम करो, इन टू रिलेशन से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ एच एंड के, और जैसे ही आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एच और के में रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा, और जो एच और के में रिलेशन होगा वो ही आपका क्या होगा, इस पॉइंट पी का, सॉरी मिड पॉइंट एच कोमा के का लोकस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैसे लेट आपको बीटा की वैल्यू चाहिए तो अपन एक काम करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो दिस माइनस करने पर क्या होगा, अल्फा कैंसिल, 2 बीटा माइनस बीटा इज बीटा इक्वल टू क्या गया, 2 के माइनस 2 एच, लो ये तो आ गया बीटा। सिमिलरली अल्फा की वैल्यू के लिए क्या करो, बेटर ऑप्शन तो यही है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगेन फर्स्ट में से सेकंड को क्या करोगे, सबट्रैक्ट, तो देखो 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा इक्वल टू, क्योंकि 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल, तो क्या आ गया 4 एच माइनस 2 की, लो इन अल्फा बीटा की वैल्यू को जब आप इस रिलेशन में पुट करोगे तो एक सिंपल सा रिलेशन होगा एच और के में, उसमें एच को एक्स से रिप्लेस कर देना बाद में और के को वाई से, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की ट्राई करें इसको। देखो 7 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑन द लाइन दिस पार्ट, इस लाइन पर एक पॉइंट पी है जिसके क्या बताने हैं आपको कोऑर्डिनेट, सच दैट पी ए माइनस पीवी का मोड इज मैक्सिमम, कब, जब पी ए माइनस पीवी के मोड की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, वेयर ए दिस पार्ट एंड बी दिस पार्ट, ए और बी आपको पॉइंट्स के मिलते हैं। देखो क्या थीम है इस क्वेश्चन को करने की, एक आपको लाइन गिवन है, इसको नोट करते हैं, 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो ऐसे समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें क्या कंडीशन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, जब भी, चलो अभी बात करते हैं, एक बार देखो पॉइंट ए को सपोर्ट करो तो 4 दू 8 और 2 10 पॉजिटिव आ रहा है इसमें, और पॉइंट बी को पुट करने पे 4 प्लस 4 प्लस 5 ये भी क्या पॉजिटिव है, तो इस लाइन में जब आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी को पुट किया तो बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, किसी भी लाइन में दो पॉइंट्स को पुट करने पे बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव और बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, देन बोथ पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, इस लाइन के सेम साइड लाई करते हैं, तो लेट कर लेते हैं,
ये पॉइंट लेट आपका ए है और ये लेट पॉइंट आपका बी। अब देखो थीम क्या है, इस लाइन पर एक पॉइंट पी लेट करो आप, जनरली कहीं भी लेट कर सकते हैं एक बार। तो क्या बोला गया कि पी की ए से डिस्टेंस और पी की बी से डिस्टेंस क्या चाहिए, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या लें, इस लाइन पे पॉइंट पी को किस टाइप से अपन कंसीडर करें कि पी ए माइनस पी बी का मोड इज मैक्सिमाइज। तो देखो इसको मैंने क्या किया, रफली एक ट्राइंगल ड्रॉ किया आपने। तो अपन ने एक बात पढ़ी हुई क्या कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड। अपन लिख सकते हैं पी ए माइनस पी बी का मोड, ट्राइंगल इन इक्विटी यूज करो डिफरेंस वाली, इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड। तो सिंपल सा फंडा क्या है, पी ए माइनस पी बी का मोड इज मैक्सिमम। तो पी ए माइनस पी बी के मोड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब आप इक्वल टू कंसीडर करोगे, पी ए माइनस पी बी का मोड इज मैक्सिमम क्या होगा, ए बी। तो क्या आ गया, मैक्सिमम इक्वल टू ए बी। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, व्हेन पॉइंट ए कोमा बी कोमा पी आर कोलिनियर। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखें। क्या है दोबारा सुनो, जब भी टू पॉइंट लाइन के सेम साइड में हो और उस लाइन पे आपको एक पॉइंट क्या करना हो, लेट करना हो, और क्वेश्चन में क्या बोला जाए कि पी ए माइनस पी बी का मोड इज मैक्सिमाइज, तो क्या थीम है, उन दो पॉइंट को ड्रॉ करो, इस लाइन पर एक पॉइंट लेट करके एक ट्राइंगल बनाए, और डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड। तो डिफरेंस कौन सा लो, यही लो ना जिसकी जरूरत है, ए पी माइनस पी बी का मोड इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड। पी ए माइनस पी बी का मोड अगर ए बी से लेस है तो ऑल थ्री पॉइंट्स आर फॉर्मड ए ट्राइंगल, और अगर पी ए माइनस पी बी का मोड इक्वल टू ए बी है, इक्वल टू केस में क्या होगा, ये ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो होगा क्या, पॉइंट पी की ए से डिस्टेंस और पॉइंट पी की, तो देखो इस पॉइंट पी को अगर आप इधर लेट करते हो तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड होगी, ए पी डिस्टेंस माइनस बी पी का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी के इक्वल। तो क्या लिखोगे, इट इज पॉसिबल व्हेन ए कोमा बी कोमा पी आर कोलिनियर, ऑल थ्री पॉइंट्स क्या होंगे आपके, कोलिनियर। तो देखो उसको करने की बहुत सिंपल सी थीम है, आपको पॉइंट पी पूछा गया, तो जब ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हैं तो क्या करेंगे बताएं, पॉइंट ए पता है पॉइंट बी गिवन है, तो आप पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। जब आपको दो पॉइंट गिवन हो तो टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जैसे ही करोगे और बाद में इस लाइन को इसके साथ क्या करना है अपन को, सिंप्लीफाई। इस लाइन को जब इसके साथ आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कर देना, और क्या है, ये दो पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, वाई माइनस तो प्लस टू इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू माइनस के टू आ गया, टू माइनस फोर इज अगेन माइनस के टू एक्स माइनस के फोर, ये कट गया तो क्या आ गया, y प्लस टू इक्वल टू होगा x माइनस फोर, ठीक है। इस लाइन को जिस लाइन के साथ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो सेकेंड ऑप्शन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, ठीक है। सिंपल इंटरसेक्शन पॉइंट कर दो फाइंड आउट, दोनों से y की वैल्यू केट कर दो तो x मिल जाएगा, x आ गया तो y आ जाएगा, और क्या, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर एट क्या है, आपको थ्री स्ट्रेट लाइन गिवन है, तीन लाइन गिवन है, और बोला गया है पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, इफ द लाइंस दिस कॉमा दिस, इफ द लाइन दिस एंड दिस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये तीनों लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास होती है, इसका मीनिंग क्या है, तीन लाइन अगर एक सिंगल पॉइंट से पास होती है तो क्या करेंगे, उनका डेल्टा जीरो कर दो, और क्या, ये अपन ने पढ़ी हुई कंडीशन, इफ थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट देन उनका एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म से बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या करोगे, जीरो। तो कर देते जीरो ये लोग, तो क्या लिखना है, फर्स्ट में लैम्डा आ गया, साइन को एस लिख देते हैं और कोस को सी, मान लो गुणा भाग सिंपल लगेंगे देखने में, ठीक है। अगले में क्या होगा, वन, इधर भी एक्स वन है, वाई इधर सी है, वाई इधर माइनस एस होगा, इधर एस और इधर सी, और इसको करना अपन को जीरो, ठीक है। तो देन लैम्डा लाइज इन इंटरवेल, तो बताओ लैम्डा किस इंटरवेल में लाई करता है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं, तो सिंपलीफाई करने पे क्या गया, लैम्डा इनटू दिस क्या गया, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बना गया,
माइनस एस इंटू इस रो और इस कॉलम को हटाओ तो सी माइनस एस कॉस माइनस साइन प्लस सी इंटू माइनस एस माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या थीम है इसमें, ये आ गया लैम्डा माइनस एस सी प्लस एस स्क्वायर माइनस सी एस या माइनस एस सी प्लस सी स्क्वायर सॉरी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दोबारा से लिख देते इसको केयरफुल, एस माइनस सी ठीक है। तो देखो ये आ गया लैम्डा माइनस साइन कोस प्लस एस स्क्वायर माइनस एस सी, ये प्लस था माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू माइनस एस सी माइनस एस सी माइनस टू एस सी, तो राइट में क्या जाएगा टू साइन कोस, और टू साइन कोस को लिख सकते हैं साइन टू अल्फा, और ये आ गया सी स्क्वायर राइट में चले जाएगा सी स्क्वायर, तो ये आ गया कोस टू अल्फा। तो बेटा ये क्या फॉर्मेट है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जब दोनों का थीटा सेम हो तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स की रेंज क्या होगी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी रेंज क्या होगी माइनस रूट टू से प्लस रूट टू। तो देन लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस रूट टू से प्लस रूट टू, तो इसका आपको सेकेंड ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या है बेटा, गिव दी फैमिली ऑफ लाइंस दिस पार्ट, एक फैमिली ऑफ लाइंस आपको गिवन है, अमंग दी लाइंस ऑफ फैमिली, इस फैमिली ऑफ लाइन में से दी नंबर ऑफ लाइंस सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट टेन फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ दिस पार्ट, इस फैमिली ऑफ लाइंस में से ऐसी कितनी लाइंस है जो पॉइंट टू कोमा माइनस थ्री से रूट टेन डिस्टेंस पे लाई करती है। तो देखो इस क्वेश्चन का थीम ये है, ये आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है ऐसे, और अपन को पता है अगर आप ए से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया एल वन प्लस बी अपन को लैम्डा लेट करो, ये एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है एल वन प्लस लैम्डा एल टू को जीरो। तो अपन को पता है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, तो अपन ऐसे समझ सकते हैं ये एल वन लाइन आपकी कॉन्स्टेंट है और ये लाइन टू लाइन आपकी क्या कांस्टेंट है। ध्यान रखें जब भी आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन गिवन हो तो आप उसको 100% L1 प्लस लैम्डा L2 में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप उसको L1 प्लस लैम्डा L2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट हो ही नहीं सकती, मतलब वो सिंगल पॉइंट से पास नहीं हो सकती फिक्स्ड पॉइंट से, तो आपकी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब क्या बोला गया इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से देखो काफी सारी लाइन पास होती है, तो अपन से बोला है कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से, अब इसमें से कुछ लाइंस ऐसी हैं जिनकी दिस पॉइंट से डिस्टेंस इज रूट टेन, तो बताओ वो लाइन कितनी हो सकती है। तो सिंपल सी थोड़ी काम करो, दो तरीके करने के, ए से डिवाइड कर दो तो इधर लैम्डा आ गया, तो ये कोई भी आपकी डॉटेड लाइन हो सकती है, जितनी भी डॉटेड लाइन है इन्हीं को क्या बोलते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, समझो एक बार ये क्या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इनमें से कितनी लाइंस हैं जिनकी इस पॉइंट एम से डिस्टेंस का रूट टेन, तो क्या करेंगे अपन, ये आपकी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट एम से जो डिस्टेंस है उसको क्या करो रूट टेन, जब भी डिस्टेंस बोले तो हमेशा क्या लेनी है इसको परपेंडिकुलर, ये अंडर स्ट्रेट ध्यान रखना है। तो एक काम करो इसको लिख सकते हैं ए से डिवाइड किया तो ये आ गया लैम्डा, तो एक्स लिख देते चलो ये आ गया टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर इंटू सॉरी टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो, ये आपकी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो क्या करें इसमें से पहले एक्स कॉमन लें, तो एक्स कॉमन लेने पे आ गया टू प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन लोगे तो क्या आ गया वन माइनस टू लैम्डा इंटू वाई प्लस फोर माइनस थ्री लैम्डा इक्वल जीरो, ये आपकी क्या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब दिस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या करोगे रूट टेन, तो क्या करें टू कोमा माइनस थ्री, तो एक्स को टू पुट करने पे क्या आ गया टू लैम्डा प्लस फोर, और वाई को लोगे माइनस थ्री तो क्या जाएगा माइनस के थ्री
माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा प्लस 4 माइनस 3 लैम्डा का मोड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिखो नो प्रॉब्लम, इक्वल टू क्या करना रूट 10। पॉइंट एम से फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस को क्या किया मैंने, रूट 10। सिंपल सी बात है, इससे लैम्डा की जितनी वैल्यू आप गेट करोगे उतनी क्या होंगी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी, जो इस पॉइंट एम से क्या होंगी इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। तो कर देते हैं और क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो, तो क्या आ गया देखो, 6 लैम्डा 2 लैम्डा 8 माइनस 3 लैम्डा 5 लैम्डा और कांस्टेंट टर्म इज 4 और 4 8 माइनस 3 अगेन माइनस 5 सॉरी प्लस 5 का मोड अपॉन, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो फुर्ती से, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर दिस इज 5 लैम्डा स्क्वायर और उसके बाद 4 और 1 इज 5 और बेटा उसके बाद देखना चाहिए इससे प्लस 4 लैम्डा से माइनस 4 लैम्डा ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया रूट 10। रूट 10 का मीनिंग होता है रूट 2 रूट 5। तो देखो इन दोनों में से जब 5 कॉमन लोगे तो बाहर रूट 5 होगा, रूट 5 इंटू रूट 5 5 और ये 5 क्या होगा कॉमन आके कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा लैम्डा प्लस 1 का मोड इक्वल टू रूट 2 रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, सबको राइट में शिफ्ट करो तो देन वी विल गेट लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल 0। तो देखो ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है बट बहुत रूट्स आर इक्वल, ये क्या लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब लैम्डा की ओनली सिंगल वैल्यू है, तो इसका मीनिंग क्या होगा ओनली इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में से केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जिसकी इस पॉइंट टाइम से डिस्टेंस क्या होगी रूट 10, तो इसका वन आंसर आपको फिल करना है। ठीक है चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंसीडर ए पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस दिस कॉमा दिस एंड दिस पार्ट, एक पैरेललोग्राम की 4 साइड्स की इक्वेशंस आपको गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो आपको डायगोनल की क्या बतानी इक्वेशन विच आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नॉन ओरिजिन से पास होने वाली डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एक बार रफली इसको समझे, ये आपने क्या लेट किया एक पैरेललोग्राम, इसकी वन साइड तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, अनोदर साइड क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो ये साइड इसके पैरेलल तो ये इसके ऊपर वाली साइड होगी पैरेललोग्राम 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, अगेन नेक्स्ट क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, तो इसको क्या लेट कर लेते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 और लास्ट इज ये इसके पैरेलल तो ये क्या होगी 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, ये चारों साइड दिस साइड जिसके पैरेलल दिस साइड आपकी जिसके पैरेलल, तो देखो ये दोनों लाइन कहां से पास होती है ओरिजिन से, या सीधा सुनो इन दोनों लाइनों को जब सॉल्व करोगे आपको तो ये पॉइंट आ जाता है 0 0, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी लेट करो ये सी लेट और ये डी, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इक्वेशन ऑफ डायगोनल विच आर नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो आपको बी डी डायगोनल की क्या बतानी है बोलो इक्वेशन, तो उस क्वेश्चन को करने के दो कॉन्सेप्ट है, एक तो सिंगल सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है आप इन दोनों लाइनों को सोल्व कर दो, इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट आपका बी होगा और बेटा दिस लाइन और दिस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या होगा बोलो सी, इन दो लाइनों को सोल्व करने पे पॉइंट आपका डी आ जाएगा, जब आपका पॉइंट बी और डी आ गया तो पॉइंट बी और डी से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आप इजी वे में लिख सकते हो। ठीक है बट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करोगे आप, इन दोनों को सोल्व करो तो एक्स एंड वाई पॉइंट बी आ गया पॉइंट, ठीक है और जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो पॉइंट बी और डी आने के बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन क्या होगी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, तो आपका आंसर आ जाएगा और सॉल्व करने पे इसका आंसर आता फोर्थ ऑप्शन। ठीक है एक ऑप्शन तो हो गया, थोड़ा समझो चीजों को, इसके अलावा भी एक ऑप्शन है वो भी ठीक ठाक सा ऑप्शन है, उसके लिए क्या कर सकते हो देखो
जो बीडी लाइन है, ये कॉन्सेप्चुअल ऑप्शन है, ये जो बीडी लाइन है वो क्या है, देखो ऐसे समझो, क्या किया, इस लाइन को मैंने लेट किया L1, दिस लाइन को नेम दिया L2, इसको लेट किया L3 और दिस को कंसिडर किया लेट L4। तो मैं बोल सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ बीडी क्या है, इस L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन। तो क्या लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ बीडी इज L1 प्लस लैम्डा L2 जीरो। L1 L2 की वैल्यू पुट करो, एक्स एक साथ वाई एक साथ कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ कर देना। सिमिलरली मैं बीडी की इक्वेशन दोबारा क्या लिख सकता हूं, L4 और L3 के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन। तो अगेन क्या लिखोगे, अगेन इक्वेशन ऑफ बीडी इज L3, इस बार लैम्डा की जगह कोई नया वेरिएबल मानो म्यू, उसमें भी सेम काम, एक्स का कोएफिशिएंट एक साथ, फिर वाई का, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। और ये करने के बाद ये बहुत लाइन सर आइडेंटिकल, तो करस्पोंडिंग कोएफिशिएंट को क्या करोगे, कंपेयर, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। तो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएंगी, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू आने के बाद किसी भी वैल्यू को पुट कर देना, तो आपके पास bd साइड की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब इसको आप फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल की आपको, हाँ सॉरी, ट्राइंगल में आपको वर्टेक्स गिवन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ ए इज 2, y-1। समझते हैं इसको, सॉरी देखो, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ ए 2, -1, आपको ट्राइंगल एबीसी का वर्टेक्स ए गिवन है, एंड दिस आर इक्वेशन ऑफ एन एल्टीट्यूड एंड एंगल बाई सेक्टर रेस्पेक्टिवली ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बी। पॉइंट बी से जो आप अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड और उसका एंगल बाई सेक्टर, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशन गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ साइड बीसी। तो आपको बीसी साइड की क्या बतानी है इक्वेशन, तो देखो समझो, एक बार इसका डायग्राम समझे, डायग्राम क्या रहा होगा, पॉइंट ए बोला गया है 2, -1, ये लेट पॉइंट बी है, ये लेट पॉइंट सी है। देखो सिंपल सी बात ये है, आपको बीसी साइड की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, तो आपको दो कंडीशन चाहिए, एक लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, टू कंडीशन, या तो दो पॉइंट पता हो, या उस लाइन का स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट पता हो, तो उससे भी काम चल सकता है। तो उसके लिए देखो क्या थीम यूज की, पॉइंट बी से लेट, ये तो कौन है उसका एल्टीट्यूड, तो एंगल 90 होगा, और ये लेट है इसका एंगल बाईसेक्टर। एंगल बाईसेक्टर का मतलब ये बोथ एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, इनको थीटा लेट किया है। तो आपको बीसी की क्या चीज क्वेश्चन, तो देखो एक चीज तो क्या दिखती है, जब आप एंगल बाईसेक्टर और एल्टीट्यूड को सॉल्व करोगे तो कौन सा पॉइंट फाइंड करोगे, पॉइंट बी। तो एक तो यही करते हैं अपन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, देखो लिखते हैं एक बार रफ में, एक तो लाइन है 7x-10y+1=0, और सेकंड लाइन है बेटा 3x-2y+5=0। तो क्या करें, देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दो, तो 7x-15x -8x, यस सर, ये कैंसिल, और ये 5 5 25, तो -24=0, तो इससे तो x आ गया -3। ये लो x को -3 से में पुट कर दो तो y मिल जाएगा, तो x को -3 लेने पे क्या आ गया, -21+1=10 होगा, यस सर, तो y क्या आ गया, -2। तो पॉइंट बी आ गया -3, -2, ये लो पॉइंट बी कितना आ गया बोलो, पॉइंट बी आने के बाद एक कंडीशन को और अप्लाई करते हैं। तो देखो एक अनदर कंडीशन के लिए क्या किया, थोड़ा ध्यान रखे प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल, ये पता होना चाहिए किसी भी वर्टेक्स की, जैसे ये वर्टेक्स ए है, जब आप वर्टेक्स की एंगल बाईसेक्टर में क्या लेते हो, इमेज लेते हो,
तो वो इमेज हमेशा अपोजिट साइड पे क्या करती है, लाई करती है। इमेज ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल बाई सेक्टर लाइज ऑन द अपोजिट साइड, ये इसका डेरिवेशन है। और सिंपल सा डेरिवेशन, ये दोनों एंगल थीटा है, ये दोनों लेंथ अगर सेम है तो ये एंगल 90 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो क्या करें, ये जो बी सॉरी ये जो एंगल बाई सेक्टर, इसकी क्वेश्चन कितनी है अपनी बाद वाली 3x-2y, इस पॉइंट ए की इस लाइन में क्या लिखोगे इमेज, तो दैट्स ये पॉइंट आपका एम आ जाएगा जो भी एक्स कॉमा वाई। तो क्या थीम होगी, एक्स माइनस एक्स अनुपोन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई अनुपोन बी इक्वल टू माइनस टू, पॉइंट को लाइन में पुट करो अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलो इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करते हैं, अप्लाई किया सबने इमेज का फॉर्मूला, देखो क्या होगा, एक्स माइनस टू अपोन थ्री इक्वल टू y प्लस वन अपॉन माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, पॉइंट ए को लाइन में पुट करो तो क्या आ गया, सिक्स प्लस टू प्लस फाइव अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर थर्टीन, ये थर्टीन से थर्टीन कैंसिल आउट, तो कितना आ गया देखो, थ्री माइनस टू माइनस सिक्स और प्लस टू करने पे x तो कितना जाएगा माइनस के फोर, ठीक है, कोमा माइनस टू तो क्या आ गया प्लस टू, सॉरी माइनस टू क्या जाएगा प्लस फोर माइनस वन माइनस के थ्री, तो ये आपका पॉइंट आ गया। दोबारा देख लो एक बार, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, पॉइंट पुट करने पे थ्री टू जो सिक्स एट फाइव थर्टी, थ्री और टू माइनस सिक्स में से माइनस टू गया तो माइनस फोर बचता है, प्लस फोर सॉरी प्लस फोर माइनस वन प्लस थ्री आ गया, तो ये पॉइंट आ गया माइनस फोर कोमा थ्री, दो पॉइंट गिवन है, तो आप साइड बीसी की क्वेश्चन लिख सकते हो, तो क्या होगी वाई माइनस वाई वन, तो लिख सकते हैं ना वाई प्लस टू इक्वल टू, उस पॉइंट बी से पास करा देते हैं, इधर क्या जाएगा एक्स प्लस थ्री और इधर क्या जाएगा थ्री माइनस टू इज फाइव अपॉन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस के वन, तो अल्टीमेटली क्या आ गया सीधा इधर लिख देते हैं, ये आ गया y प्लस टू इक्वल टू माइनस फाइव एक्स माइनस की फिफ्टीन, देन वी विल गेट फाइव एक्स प्लस वाई प्लस सेवनटीन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था कि पॉइंट बी तो आप दोनों को सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट, और पॉइंट एम एक पॉइंट और लाना बी सी पे, तो क्या किया कि किसी भी पॉइंट की उसके अपोजिट एंगल बाई सेक्टर में जब इमेज लोगे तो वो अपोजिट लाइन पे लाई करती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या, देखो ए वेरिएबल लाइन एल इक्वल टू जीरो इज ड्रॉन थ्रू जीरो जीरो, एक वेरिएबल लाइन एल जो जीरो जीरो से पास होती है, टू मीट दी लाइन एल वन एंड एल टू पॉइंट एम एंड एन, और वो एल वन और एम टू लाइन को पॉइंट एम और एन पे मीट करती है रेस्पेक्टिवली। A point P taken n L equal to 0, एक point P को line L equal to 0 पे let करना है, such that, और वो condition क्या है, 1 upon OP square equal to 1 upon OM square plus 1 upon ON square, then locus of P is, तो देखो करते हैं, एक बार roughly diagram देखो, जैसे let एक line है, इसको name दिया L, ये line कहां से पास होती है, 0, 0 से, फिर ये जो लाइन L है ये L1 L2 कट करती है, L1 L2 बोथ आर पैरेलल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैरेलल हो या ना हो, बट है तो बना देते हैं ये लोग, ये L1 है ये L2 है, ये पॉइंट बोला गया लेट M और ये लेट पॉइंट बोला गया लेट N, और इस लाइन L पर एक आर्बिट्री पॉइंट लेट किया आपने PH कोमा K, तो आपको पॉइंट P का लोकस बताना है और ये रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन का मीनिंग देखो ये ओ है ना, तो ये काम करते हैं, इस पॉइंट ओपी की लेंथ, ओ से पॉइंट पी की लेंथ को तो मैंने लेट किया आर, थोड़ा केयरफुली सुनना, ओपी की लेंथ को आर लेट करो, ओएम की लेंथ को लेट आपने आर वन लेट किया, और बेटा ओएन की लेंथ को लेट आपने आर टू लेट किया, तो अपना रिलेशन क्या गया, वन अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर टू स्क्वायर, तो अपन एक काम करते हैं आर आर वन आर टू की वैल्यू पुट करने की ट्राई करते हैं, तो देखो कैसे करोगे, ये अपन को पता है
कि गिवन पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पे अगर एक आर्बिट्री पॉइंट मानना है तो देन वी कैन यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आप 0 0 से एक लाइन पास होती है तो इस 0 0 से पास होने वाली लाइन के लिए अप्लाई करो पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लिखोगे आप, एक्स अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। जब आप इस डिस्टेंस आर को आर ही लेट करोगे तो पॉइंट पी अचीव होगा, तो पॉइंट पी तो क्या जाएगा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, मतलब एच तो आ गया आर कॉस थीटा और के आ गया आर साइन थीटा। थोड़ा समझना केयरफुली। अब अगर आपको पॉइंट एम लाना है तो पॉइंट एम के लिए स्क्वायर वन लेट कर दो एक बार, तो आर वन लेने पे पॉइंट एम क्या आ गया, आर वन कॉस थीटा कॉमा आर वन साइन थीटा, और पॉइंट एम लाइज ऑन दी लाइन ऑफ दिस पार्ट। पॉइंट एम को इस लाइन में पुट करो तो क्या पुट करोगे, आर वन कॉस थीटा प्लस टू आर वन साइन थीटा इक्वल टू थ्री। तो आर वन कॉमन आ गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, आर वन कॉमन कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा इक्वल टू थ्री। इससे अपन को आर वन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, थ्री अपॉन साइन प्लस टू एस। सिमिलरली जब आर वन की जगह क्या लोगे आप, आर टू, तो आर वन की जगह आर टू लेने पे क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू आर टू कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर टू साइन थीटा। और अगेन एक्स एंड वाई लाइज ऑन दी, ये पॉइंट एम आ गया, पॉइंट एम लाइज ऑन दी लाइन दिस पार्ट। तो इसमें पुट करने पे क्या जाएगा, आर टू कॉस थीटा और टू आर टू साइन थीटा। तो वही सेम आर टू कॉमन लो, तो क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा इक्वल टू माइनस के फोर। ठीक है, इससे आर वन की वैल्यू मिलेगी, इससे आर टू की, और इससे आर की वैल्यू एज इट इज। तो इन वैल्यूज को अपन इसमें पुट कर देते हैं उस रिलेशन में। तो वो रिलेशन क्या, वन अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दें, वन अपॉन आर वन स्क्वायर, आर वन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, थ्री अपॉन टू प्लस साइन। तो नीचे तो क्या आ गया नाइन और ऊपर क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अगेन ये भी क्या गया, टू प्लस एस का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ये आ गया 16। तो देखो ऐसे समझो क्वेश्चन को, c प्लस टू एस का होल स्क्वायर जब न्यूमेटर से कॉमन लोगे तो क्या रह गया ब्रैकेट में, वन अपॉन नाइन प्लस वन अपॉन सिक्सटीन, और वन अपॉन नाइन प्लस वन अपॉन सिक्सटीन को दोबारा एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, 16 9 25 बटे 144, क्या गया 25/144। तो चलो इसको थोड़ा लिखते हैं, तो इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, अब भी आ गया वन अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू साइन प्लस टू एस का होल स्क्वायर इंटू 25/144। अब देखो बहुत सिंपल थीम क्या है, आपको एच के में रिलेशन सीधे देखो क्या किया, इस आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर एक साथ लगाओगे तो क्या गया, आर कॉस थीटा प्लस टू आर साइन थीटा। इतना आने के बाद 144 को इधर ले आओ न्यूमेटर में और 25 को अपॉन में ले आओ, तो ये आ गया आर कॉस थीटा प्लस टू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यस सर, तो देखो हमको सब कुछ एच के मिलाना है, तो आर कॉस थीटा को तो पुट करोगे एच और आर साइन थीटा को पुट करोगे के, तो 2k। तो क्या आंसर आ गया, एच प्लस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन 25। तो क्या लिखोगे, h को x रिप्लेस करना, k को y से, तो आंसर आ गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन 25। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, लेट a b एंड c आर गिवन, आपको तीन पॉइंट गिवन है, ABC आर एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी के तीनों वर्टेक्स गिवन है, देन लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ डेल्टा एबीसी। तो बताओ जो ट्राइंगल एबीसी है इसके ऑर्थो सेंटर एच का लोकस क्या होगा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझे, इसमें मेन थीम क्या, वो सुनो, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, इनकी तीनों वर्टेक्स के उनको लिखते हैं, और उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। पहला वर्टेक्स तो है 5,12, बी पॉइंट कितना है, -13 cos θ, 13 sin θ, तो उसको सीधे लिख दो -13c, -13c, 13s,
साइन को शॉर्ट कट, और पॉइंट सी लिखोगे 13s कॉमा माइनस के 13c। तो सुबह देखो केयरफुली, बात ये है, ये जो 512 है इन तीनों पॉइंटों की 0,0 से डिस्टेंस सेम है, बस ये बहुत थीम थी। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये तीनों पॉइंट आर लाइज ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 169, ऐसे भी समझ सकते हो आप, क्योंकि 5 और 12 के स्क्वायर का सम 169, इनकी भी जब स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो ये भी क्या आएगा 169, और इनकी भी स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो ये भी क्या आएगा 169। तो इसमें थीम यही थी कि 0,0 से ये डिस्टेंस 13, ये डिस्टेंस भी क्या होगी 13, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी बोलो 13। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं, ये नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसी भी एक पॉइंट की तीन पॉइंट से डिस्टेंस अगर सेम है तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, उस ट्राइंगल का सर्कमसेंटर होगा। मतलब इन तीनों वर्टेक्स से ये डिसाइड हो गया कि इस ट्राइंगल का वर्टेक्स आ गया 0,0। ठीक है, तो अब देखो बहुत सिंपल सी थीम क्या है, ये एक थ्योरम पढ़ी हुई है अपन ने, ये कौन है इसका सर्कमसेंटर, ये सेंट्रोइड है, और ये इसका लेट ऑर्थो सेंटर है। OGH आपका क्या होगा 1:2, सर्कम सेंटर आपका 0,0 है, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है तो सेंटर्ड में फाइंड आउट कर सकता हूं। मैंने थोड़ी देर के लिख दिया कि लेट इसका जो सेंट्रोइड है, ये तो सॉरी ऑर्थो सेंटर है, इसका सेंटर्ड मैंने मान लिया जी अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा का मीनिंग तीनों का समेशन y3, बीटा का मीनिंग y कोऑर्डिनेट का समेशन y3, और आपको ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछे। बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखें, जब भी आपको किसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना हो तो उसका एक प्रॉपर मेथड है, बट आप थोड़ा ये देखें कि कहीं OGH की हेल्प से तो नहीं कर सकते अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभार अपन उसका डायरेक्ट सर्कम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का सर्कम सेंटर और सेंटर्ड आ गया तो आप 1:2 से ऑर्थो सेंटर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका लोकस चीज इसको क्या लेट कर लेते हैं h कॉमा, तब देखो थीम क्या होगी, 1:2 में लगा दो इंटर डिवीजन, तो अल्फा तो क्या आएगा 1 को एस से मल्टीप्लाई, 2 को 0 से, और बाई 3, तो अल्फा तो क्या गया एच, और सिमिलरली बीटा भी क्या जाएगा के, मतलब अल्टीमेटली अल्फा एच आ गया और बीटा भी क्या आ गया बोलो के, और अल्फा और बीटा क्या है सेंटर्ड के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई 3 भी तो करना है, 2+3/3, अल्फा क्या होगा 1h+2 0/3, तो अल्फा एच बाई 3, और सिमिलरली बीटा क्या आ गया के बाई 3, अल्फा का मीनिंग एक्स कोऑर्डिनेट का सम, तो देखो क्या लिखोगे 5 -13 cos + 13 sin/3, तो थ्री भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 5 -k 13c + 13 cos = h, 3 कैंसिल आउट। सिमिलरली y का सम y 3 करोगे तो किया जाएगा, तो ये क्या होगा 12 + 13s, दोबारा सुन लो 5 -13c + 13s = 0, 5 -13c + 13s = h, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 12 + 13s - k 13c = किया गया। अब देखो आपको करना क्या, अल्टीमेटली इन दोनों को साइन कोस को एलिमिनेट करना है, तो साइन कोस को एलिमिनेट करने के लिए काम करें ना, देखो इधर -13c नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, ये 13s नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो सेपरेट कर दो आप, फर्स्ट में से जब आप सेकंड को सेपरेट करोगे तो क्या जाएगा 5 -12 -7, -13 cos में से +13 cos कैंसिल, और दिस में इज कैंसिल, तो क्या गया इक्वल टू h - k, तो उसको लेने पे क्या जाएगा x - y + 7 = 0, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन टिक करना है। तो मेन थीम यही थी कि ये जो तीनों वर्टेक्सेज हैं, इन ऑल थ्री वर्टेक्सेज की 0,0 से डिस्टेंस सेम है, और अगर किसी पॉइंट की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम हो तो दीज पॉइंट्स आर सेड टू बी सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, चले उसके बाद 14 क्वेश्चन क्या है, इफ पॉइंट ए 1, p² बी 0, 1 एंड सी p, 0 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री पॉइंट्स, देन द वैल्यू ऑफ p फॉर विच
दी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज मिनिमाइज। अगर इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया मिनिमम हो तो बताओ पॉइंट पी की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो क्या करें, अगर अपन को ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पता है तो सीधा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, डिटरमिनेंट 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट। तो लिख देते हैं, तो लिख देते हैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 1/2 ऑफ 1 पी स्क्वायर 1, बहुत इजी फॉर्मूला है, 0 1 1 एंड अगेन पी 0 एंड 1। और बाद में मोड लगाना ध्यान रखें, जब भी एरिया हो तो मोड लगाते हैं क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो मोड बाद में लगा देना। सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को बेटा, तो क्या जाएगा 1/2, पहले 1 लिखोगे, 1 into 1, 1 minus 0, यस सर। फिर क्या आएगा माइनस के पी स्क्वायर, ब्रैकेट ऑफ ये रो इस कॉलम को हटाओ तो 0 minus 1, तो 0 minus p आ गए, 1 into 0, 0, p into 1 is p, और प्लस 1 ये रो कॉलम हटाओ तो 0 minus p, तो ये भी क्या गया 0 minus। तो सिंप्लीफाई करने पे अल्टीमेटली अपना ट्राइंगल का एरिया आ गया हाफ 1/2। सुनो, माइनस पी प्लस पी क्यूब, ये माइनस के पी आ गया और प्लस के बना, ये आ गया डेल्टा। और बाद में लगा देते इस पे मोड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना सब बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं विदाउट मोड के काम करते हैं। तो देखो विदाउट मोड से गलती क्या होने वाली, समझने के बाद अगर आप मोड नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे, इसको समझना एक बार, इसमें गलती क्या होगी। अगर आपने सिंपल लिख दिया डेल्टा इक्वल टू 1/2 पी क्यू माइनस पी प्लस 1, तो आप क्या करोगे इसका डीपी के रेस्पेक्ट पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो क्या आ गया 1/2, ये आ जाएगा 3p² - 1, और 3p² - 1 के फैक्टर कर दो सीधे, √3p - 1 × √3p + 1। नंबर लाइन, ये माइनस के 1/√3 पे 0 होगा, फिर उसके बाद 1/√3 पे 0, प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा माइनस से प्लस जाने पे मिनिमाइज वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब पी आप क्या लोगे 1/√3, तो देन इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम। बट इसमें करना क्या है, ये गलत आंसर है इसका, ऑप्शन दे भी रखा है ओनली 1/√3, ओनली -1/√3, बोथ और नन ऑफ दी, कोई नहीं, ठीक है। तो देखो डेल्टा मिनिमम चाहिए, तो एक बात को समझो ना, ये कौन है पी में क्यूबिक इक्वेशन है, तो अगर ये पी में क्यूबिक इक्वेशन है तो 100% इसका एक रूट तो क्या होगा रियल होगा, हो सकता है 2 रूट रियल हो, 3 रूट रियल हो, बट एटलीस्ट 1 रूट इज रियल। तो अपन एक यही काम करते हैं कि इसका चलो एक रूट तो रियल होगा, 0 पे वैल्यू बने, चाहो तो प्रॉपर डायग्राम बना दो या नो, 0 मैंने रफली डायग्राम बना दिया, लो एक रूट तो होगा ही होगा, दूसरा रूट इसका 0 पे बना रहा है, ध्यान रखना है। जब आप इसका मोड लोगे तो मोड लेने पे क्या होगा, ये नेगेटिव पोर्शन भी इसका पॉजिटिव बन जाएगा रफली। तो क्या हुआ इससे, मोड लेने पे जब इसका नेगेटिव पोर्शन भी पॉजिटिव बन गया तो इसकी मिनी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, डेल्टा मिनिमम हो सकता है, ठीक है। डेल्टा क्या हो सकता है मिनिमम, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट है तो ये वैल्यू क्या है माइनस के 1/√3, ये इसके लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम, ध्यान रखना इस बात को। तो बेटा इसका प्रॉपर जब डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम बनता है ऐसे, ये करके देखना, इसमें आपको एप्लीकेशन टू डेरिवेटिव, इसका एक रूट आने वाला है, क्योंकि जब आप इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो इस फंक्शन के अंदर अंदर वाले पार्ट में, तो दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसका एग्जैक्ट डायग्राम अगर देखोगे तो ऐसे बनेगा, यूं ऐसे, सॉरी इधर दोबारा एक लोकल मिनिमा होगा, तो जब मोड लोग दे आ गया तो दिस ये वैल्यू क्या माइनस के 1/√3, तो पी की वैल्यू जो -√3 से लेस होगी इस वैल्यू के रिगार्डिंग इसका एरिया क्या होगा मिनिमम, और वो एरिया कितना होगा मिनिमम, 0 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और एरिया मिनिमम होने का मतलब ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ ट्राइंगल बोल दिया तो एरिया 0 नहीं हो सकता, हो सकता है ना, क्योंकि अपन को क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिया गया है। तो इसका आपको फोर्थ ऑप्शन फिल करना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन 15, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, बस करने का तरीका थोड़ा ठीक है, इसको मेन पार्ट बाद में देखते हैं। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, इन द एडजेसेंट फिगर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसकी जो इंसिडेंट रे है और ये कौन सी इसकी रिफ्लेक्टेड रे, इनकी क्या बतानी है कंबाइंड इक्वेशन, डायग्राम के अकॉर्डिंग काम करना है अपन को।
आप इसको इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वो मत मानना, मिरर के अबाउट नॉर्मल, इसको इंसिडेंट बोला गया, इसको रिफ्लेक्टेड बोला गया, ठीक है। तो देखो इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन की क्या चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन। तो देखो क्या किया इसमें आपको, जैसे ये लाइन लानी है, किसी भी लाइन की इक्वेशन की क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक उसका पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल का टेन। तो देखो ये एंगल अगर देखोगे तो क्या आएगा, 90 + 60 = 150। तो इंसिडेंट रे का एक्स के साथ एंगल 150 है, तो टेन 150 की वैल्यू क्या होती है, -k/√3। क्या होगी बोलो, -k/√3। और पॉइंट कितना है, 2, 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगी, y -0 = tan 150। tan 150 का मीनिंग tan π - 30, तो -tan 30, तो 1/√3 इनटू x - 2। ये तो दिस पार्ट आ गया, इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले आओ, तो क्या आ गया, x - 2 - √3/0। ये तो आ चुकी इंसिडेंट रे की इक्वेशन। सिमिलरली अब आप लिखते हो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन, तो उसमें क्या होगा, देखो पॉइंट अभी भी 2, 0 है, इसका एक्स के साथ एंगल कितना है, ये 30 है, तो माइनस के 60 है, नेगेटिव एंगल -tan - 60, तो -k√3 आ जाएगा। तो अगेन इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज y - 0 = -k√3x - 2। इसमें इक्वेशन को करने की थीम क्या थी, इतना कर सकते हैं। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्या थीम होती है, जब भी टू लाइन की कैची कंबाइंड इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके राइट पार्ट को जीरो बनाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई करें। बट आप ऑप्शंस में देखो, जिस ऑप्शन की फॉर्मेट में गिवन है ना, उस ऑप्शन को लाने के लिए उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक ऑप्शन में क्या, हर ऑप्शन में आ रहा है x - 2 का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इसको √3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया, इस x - 2 को एक साथ लेट किया। यही काम इसमें करो, इस -k/√3 को डिवाइड में ले आओ, तो क्या आ गया, x - 2 = -k/√3, -k y/√3। तो -minus + y/√3 = ये आपकी होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको फर्स्ट और सेकंड को क्या करना, मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कर देते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में तो लिखो फर्स्ट लाइन x - 2 - k√3y, और सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा x - 2 + y/√3 = अब देखो सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर। इधर लिख देते हैं x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली -√3y को + √3y, तो -+ क्या होगा, माइनस, एक सेकंड इसमें भी मैंने गलती कर दी, क्योंकि तो जब टेन वन तो माइनस का आएगा ना, वो दिख गया था, तो प्लस हो गया बेटा, क्या हो गया बोलो, प्लस। तो कितना आ गया, √3y (y/√3y), तो क्या आ गया, +k y²। और दिस पार्ट आने के बाद क्या करना है, सुनो, उल्टा x को x से किया, y को y से, अब रिवर्स कर दो, दिस पार्ट को करोगे इससे और इसको करोगे इससे, तो जब करस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, दिस पार्ट को y से किया, तो y x - 2 तो कॉमन आ गया, क्योंकि तो इसमें भी तो यही होगा ना, y x - 2। तो पहले तो एक काम करो, y x - 2 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा, इसको करने पे तो आ गया 1/√3, और इसको करने पे आ गया √3, तो अल्टीमेटली ब्रैकेट में आ गया √3 + 1/√3, और √3 + 1/√3 कितना जाएगा, √3 = 4y√3, तो इंटू में लगा दो, 4y√3 = 0। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा ऑप्शन आता है, x - 2 का स्क्वायर + y² x - 2 × y + 4y√3। तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको टिक करना है, बस इसको मेनली पार्ट ये था कि मल्टीप्लाई किस टाइप से करें इक्वेशन को, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझे। P 5, 3 की बने, लेट P is 5, 3 एंड ए पॉइंट आर ऑन द लाइन y = x। एक पॉइंट आर आपका y = x पे लाई करता है, एंड क्यू ऑन द एक्स एक्सिस, और एक अनदर पॉइंट है क्यू लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, वी सच दैट PQ + QR + RP इन तीनों साइड का सम क्या बोला गया, मिनिमम, देन कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, मतलब जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। तो वो कैसे करना, थोड़ा समझ लें,
ये पॉइंट पी मैंने लेट किया 5.3, ये कहीं भी लेट करो, बस समझो एक बार, ये पॉइंट है आर ऑन दी लाइन वाई इक्वल टू एक्स, और एक इस पे पॉइंट कंसीडर करोगे आप क्यू, तो देन पॉइंट क्यू के क्या बताने अपन को कोऑर्डिनेट, तो वो क्या थीम यूज की इसकी, मतलब इन तीनों साइड पी क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू आर डिस्टेंस प्लस आर पी डिस्टेंस का सम क्या होना चाहिए मिनिमम। तो देखो ऐसे समझते हैं, लिखते हैं इसको एक बार, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इन तीनों का सम क्या लाना मिनिमम। तो देखो ये थीम यूज करो, टू साइड का सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर पी, तो पी क्यू प्लस क्यू आर का सम मिनिमम किस के इक्विवेलेंट हो सकता है, आरपी के इक्विवेलेंट हो सकता है मिनिमम के लिए। तो दो साइड ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, पहले मैंने इन दो साइड का सम क्या किया मिनिमम, तो इन दो साइड का सम मिनिमम कब हो सकता है, जब आप ये आरपी के इक्वल हो गए, तो सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, इसका मीनिंग क्या होगा, ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पी कोमा क्यू कोमा आर इज कोलिनियर, क्या लिखोगे पी कोमा क्यू कोमा आर इज कोलिनियर, तो इसका मीनिंग यही तो है ना, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू आर आपके मिनिमम है, पी कोमा क्यू कोमा आर आर कोलिनियर, तो अल्टीमेटली एक बात बताओ आर और क्यू तो ऐसे हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू आर पी लाना मिनिमम के लिए। तो देखो क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर का सम मिनिमम कब होगा, तो इस दोनों का सम मिनिमम लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम आरपी के इक्वल होने के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट पी की आप इस एक्स एक्सिस में क्या लोगे इमेज, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी फिर इस डिस्टेंस की क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, इसको मान लेते हैं पी डैश, बात को थोड़ा सुने ऐसे समझो दोबारा, ये पॉइंट पी आपका फिक्स्ड है और ये पॉइंट आपने आर इधर लेट किया, ठीक है, इस पॉइंट क्यू को जब आप आगे बढ़ाओगे, ऐसे समझो इस पहले मैंने क्या किया ट्रायंगल ड्रॉ किया पी क्यू आर, इस पॉइंट पी की आपने इमेज ली है पी डैश, ये इमेज क्या होगी 5.-3, ये इमेज आने के बाद इस क्यू को इससे जॉइन कर सकते हैं और ये दोनों लेंथ आपकी इक्वल है, तो थोड़ा सुनो ये डिस्टेंस अब आपकी जो भी है कुछ होगी ना, उसके बाद मतलब पॉइंट पी की इमेज एक्स में लोगे तो ये क्यू की डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस क्या होगी इसकी इक्वल होगी, उसके बाद जब आप इस पॉइंट को इधर इंक्रीज करोगे मेरी तरफ तो डिस्टेंस क्या होगी बढ़ती जाएगी, इस केस में डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी मिनिमम होगी, क्या होगी बोलो मिनिमम, तो आर पी क्यू प्लस क्यू आर का सम आपका क्या होना चाहिए मिनिमम, तो देन पी कोमा क्यू आर कोमा पी या पी कोमा क्यू कोमा आर आर कोलिनियर, तो पॉइंट पी की क्या लोगे इमेज लोगे, ठीक है ना, क्योंकि पी के बाद क्यू आना चाहिए और क्यू के बाद आर आना चाहिए, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि पी पॉइंट की आपने क्या ली इमेज। सिमिलरली जब आप इन दो साइड को मिनिमम करोगे तो फिर क्या होगा, अगेन आप पॉइंट पी की इमेज क्या लोगे वाई इक्वल टू एक्स में, तो इसकी इमेज जब इधर लोगे तो वो कहां लाई करेगी इधर, तो उससे क्या होगा ये साइड फिर इस साइड की क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी इक्वल, ठीक है ना, तो क्या करें पॉइंट पी 5.3 की y इक्वल टू एक्स में इमेज क्या होगी रिवर्स कर देते हैं, तो क्या जाएगा 5, इसको मान लेते हैं p डबल डैश, समझे मेरी बात को, तो एक बार और सुन लो, मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या, इस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का सम क्या चाहिए मिनिमम, तो ये जो तीनों पॉइंट है पी क्यू आर आर कोलिनियर, तो क्या किया पी की इमेज एक्स में लोगे तो इधर होगी और पी की इमेज इधर लोगे तो इधर, तो तीनों पॉइंट क्या होंगे आपके कोलिनियर, तो उस केस में ये सम और ये सम आपका क्या हो जाएगा इक्वल, और आप देखो ढंग से ये साइड इसके इक्वल है, तो ये लेंथ ये लो बात सेम होगी, ये लेंथ जो भी कुछ मिलेगी आपको और ये लेंथ आपकी इसके इक्वल, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी सबसे मिनिमम होगी, उसके बाद वैल्यू हमेशा क्या करेगी इसकी इंक्रीज करती है। आप देखो ना जब पॉइंट पी की इन दोनों एक्स एक्सिस और इस लाइन में इमेज लोगे तो ये लाइन आपको फाइंड आउट हुई कौन कौन सी, पी क्यू ये लो पी क्यू आर क्यू और आर पी, ठीक है, पी क्यू पी डैश क्यू का मतलब पी क्यू है, क्यू आर और आर पी का मतलब आर पी डबल डैश, तो इन तीनों का सम आपका मिनिमम है, और इस इमेज के अलावा अगर आप पॉइंट को कुछ इधर उधर लेते हो और कहीं सेट करोगे तो
तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो अब क्या करें, आपको क्यू पॉइंट लेके आना है, तो एक काम करो, पी डबल डैश पता है, पी डैश पता है, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्या लिखोगे इक्वेशन, और टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद उसमें जब वाई को जीरो पुट करोगे तो पॉइंट क्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 17y4,0। उसके बाद तो सिंपल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 17 में क्या बोला गया आपसे, टू पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 2,-1 एंड मूविंग 2 यूनिट्स अलोंग द लाइन दिस पार्ट एंड 5 यूनिट अलोंग द लाइन दिस पार्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब एक पॉइंट पी, ये जो पॉइंट है दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पे लाई करता है। तो क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं जो पॉइंट पी से स्टार्ट होते हैं, एक जो पार्टिकल है वो तो दिस लाइन के अलोंग 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, और सेकेंड पार्टिकल दिस लाइन के अलोंग 5 यूनिट डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है। इफ दीज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स इंक्रीजिंग वायर, मतलब अप ऊपर की तरफ, तो देन न्यू पोजीशन आर, तो उनकी पार्टिकल की न्यू पोजीशन क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो देखो एक बार रफली आप डायग्राम समझोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन की लाइन आपकी ऐसे होगी, और वाई को जीरो लेने पे एक्स फोर होगा, तो ये लाइन आपकी ऐसे होगी। तो अल्टीमेटली इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया 2,-1। तो देखो उसमें क्या करना है, मतलब इंक्रीजिंग वाई का मतलब ये भी पॉइंट अप जाएगा और ये भी पॉइंट आपका ऊपर जाएगा, तो प्लस आर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसको ये करो ना, ये लाइन कौन है, एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो दिस लाइन पे फर्स्ट लाइन पे तो क्या करना है, टू डिस्टेंस अप डायरेक्शन में एक पॉइंट क्यू लाना है, इसको पी मान लेते हैं, इसको आर, और इधर इस पॉइंट पी से फाइव डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट आर पूछा गया। तो क्या करें, पहले दिस लाइन पे वही सेम थ्योरी, गिवन पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पे अगर लाइन पे एक पॉइंट करना फाइंड आउट, तो वी कैन यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पॉइंट क्यू को मान लो एक्स वाई, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस टू। इंक्रीजिंग वाई का मतलब अप है, तो क्या होगा इसमें, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अप की तरफ जाएगी, तो टेकिंग प्लस लेना है, और अगर नीचे की बात करता तो टेकिंग माइनस लेते हैं, ठीक है। इस लाइन का स्लोप कितना है, टेन थीटा माइनस वन, तो टेन थीटा माइनस वन का मतलब थीटा आ गया 3π/4, तो कॉस 3π/4 की वैल्यू, तो क्या आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया 2cos θ + 2, 2 + 2cos θ, और वाई आ गया -1 + 2sin θ, और इस लाइन का स्लोप कितना है, 10θ - 1, तो थीटा जाएगा 3π/4। तो देखो कॉस 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, -k/√2, तो ये तो आ गया -k√2, तो ये पॉइंट तो आ गया 2 - k√2 एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई में क्या होगा, साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस में, तो √2 - 1, क्या आ गया बोलो, √2 - 1, y आ गया √2 - 1। तो देखो वैसे टाइम बचाने का तरीका है कि इसके अकॉर्डिंग केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 2 - √2, √2 - 1, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। और सेकंड में क्या करना, इसी पॉइंट P से दिस लाइन के अलोंग 5 डिस्टेंस पे एक पॉइंट मानना है, तो अगेन वी कैन यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस टू अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 5। इस बार क्या होगा, इस लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 10θ = 1/2, तो डेल्टा 10θ 1/2 है, तो ट्राइंगल से ये 1, ये 2, ये √5 आ गया, तो साइन थीटा तो जाएगा 1/√5 और कॉस थीटा जाएगा 2/√5। तो दोबारा पुट कर देना, तो इससे क्या अचीव होगा, एक्स तो आ गया 2 + 5cos θ, और वाई अचीव होगा -1 + 5sin θ। देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/√5, तो ये हो गया 2√5, 2 + 2√5, यस सर, और sin थीटा क्या है, 1/√5, तो √5 - 1, तो ठीक है, तो ये भी पॉइंट आ गया अपने पास, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, The area of the rhombus ABCD 96 square unit. एक rhombus है ABCD जिसका area आपको given है 96 square unit, ठीक है? Point A आपको given है, and the equation of diagonal BD is this part. और BD जो diagonal उसकी equation given है, then length of the side of the rhombus. तो बताओ उस rhombus की side length क्या होगी? तो देखो,
एक बार इसका अपन ड्रॉ करते हैं रफली डायग्राम। ये आपने एक लेट किया रोम्बस एबीसीडी, इसका पॉइंट ए मान लेते हैं दिस पार्ट 2, -3, इसको पॉइंट बी नेम दे देते हैं, इसको सी और इसको डी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 है, तो ये लेंथ आपकी इसकी इक्वल होगी और ये लेंथ आपकी इसकी इक्वल है। तो एक काम करो, ये एक्स है तो ये भी एक्स और ये वाई है तो ये भी वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस रोम्बस का जो एरिया वो 96 है, तो अपन को पता है कि रोम्बस का जो एरिया वो क्या होगा, ऑल फोर ट्राइंगल का एरिया सेम होता है, तो फोर टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ दिस पार्ट, इसको पॉइंट एम मान लो, तो लिख सकते हैं अपन फोर टाइम्स ऑफ डेल्टा ए डी एम इक्वल टू 96 और ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हाफ, बेस अगर इसमें एक्स है तो हाइट कौन है इसकी वाई, तो क्या गया 96, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एक्स वाई आ गया 48। यस सर, आपको क्या बताना है साइड, ये एक्स ये वाई है तो साइड कौन होगी इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली आपको एक्स और वाई की वैल्यू लेके आनी। और ध्यान दो ये जो एक्स ए कौन है, पॉइंट ए की बीसी साइड से डिस्टेंस और बीसी की क्वेश्चन आपको दिस पार्ट गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं एक्स का मीनिंग लिखोगे ए एम, तो क्या करें पॉइंट को लाइन में पुट करो, तो 2 पुट करने पे 6 आ गया, 4 + 12 + 12 = 30 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट कितना आ गया 5, तो बेटा ये लेंथ क्या आ चुकी है बोलो 6, एक्स 6 आ गया, एक्स को 6 लोगे तो 8 की 48, तो ये 6 आ गया 8 आ गया, तो इसका रूट लेने पे कितना आ जाएगा 36 और 64 100 का रूट 10, तो इसका 10 आंसर फिल करना। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन 90, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बच्चे जल्दी गलती कर देते हैं, देखना वो गलती क्या हो सकती है। इफ ए अपॉन रूट बी सी माइनस 2 इक्वल टू रूट बी प्लस सी प्लस रूट सी अपॉन बी कॉमा एबीसी बिलोंग्स टू पॉजिटिव, एबीसी आपके पॉजिटिव है, देन फैमिली ऑफ लाइंस दिस पार्ट पासिंग थ्रू दी फिक्स्ड पॉइंट, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि एबीसी में रिलेशन गिवन है, ये ध्यान रखें। देन फिक्स्ड पॉइंट इज, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सुने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ये एक लाइन है और अगर इस लाइन में जो वेरिएबल है एबीसी ये एक रिलेशन के द्वारा क्या हो रिलेटेड हो, ABC are related by relation, then AX BY plus C equal 0 represents a family of straight line. ABC अगर एक relation के द्वारा क्या connected है बेटा, तो AX BY plus C equal 0 एक family of straight line को क्या करती है represent करती है। तो देखो क्या करना है इस question में, ये जो family of straight line है क्यों, क्योंकि root A root B root C इस relation से related है, तो अपन इसका fixed point find out कर सकते हैं, और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, उस गिवन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप L1 प्लस लैम्ब्डा L2 में कन्वर्ट करो, और L1 प्लस लैम्ब्डा L2 में कन्वर्ट करने के बाद L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही आपका क्या होता है फाइनल आंसर। तो देखो करते हैं इसको ढंग से, देखो इसको रूट बी सी से मल्टीप्लाई करो, पहले इसी को सोल्व करते हैं अपन, जब आप इसको रूट बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गया ए माइनस 2 रूट बी सी इक्वल टू बी प्लस सी, जब आप इसको उधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ गया बी प्लस सी प्लस 2 रूट बी सी, ये क्या बन गया रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर, ये आ गया ए इक्वल टू रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर, और इसका रूट लेने पे क्या जाएगा रूट बी प्लस रूट सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए। तो क्या करें अपन रूट सी की वैल्यू पुट करते हैं, तो इससे रूट सी की वैल्यू के लिए लिख दो प्लस माइनस रूट ए माइनस रूट बी। एक बार तो बात करते हैं टेकिंग प्लस की, मतलब टेकिंग प्लस में रूट सी की वैल्यू पुट करने पे लाइन क्या होगी रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस रूट ए माइनस रूट बी जीरो, इन दोनों में रूट ए कॉमन आ गया तो क्या आ गया एक्स प्लस वन, और सेकेंड और फोर्थ में जब रूट बी कॉमन लोगे तो क्या आ गया वाई माइनस वन। तो ध्यान दो रूट ए से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया ये तो एल वन है और रूट बी अपॉन रूट ए को वेरिएबल मान लो लैम्डा एल टू जीरो, तो एल वन जीरो पे तो एक्स माइनस वन आ गया, एल टू जीरो पे वाई वन आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग तो फिक्स्ड पॉइंट आ गया माइनस वन कॉमा वन,
और वो ऑप्शन में दे भी रखा है ओनली माइनस वन वन सेकेंड ऑप्शन हो सकता है। फिर जब आप टेकिंग माइनस की बात करोगे तो टेकिंग माइनस में क्या होगा माइनस रूट ए, तो इधर भी माइनस तो इधर भी माइनस, तो इससे वैल्यू अचीव होगी एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू वन। तो इसने ऑप्शन फर्स्ट भी दे रखा ओनली वन वन और फोर्थ ऑप्शन दे रखा वन एंड टू बोथ। तो क्या करें, फर्स्ट ऑप्शन टिक करें, सेकेंड ऑप्शन टिक करें या फोर्थ, ओनली लगा दिया। तो अगर सिंगल आंसर है तो वन टू थ्री ऑप्शन टिक करोगे और बोथ आंसर है तो फिर फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन बोथ, तो आपको फोर्थ ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो इसमें देखो मेन थीम ये थी, एक बात को सोचो, अगर एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव, एक्स और वाई अगर दोनों को पॉजिटिव लोगे, देखो रूट ए रूट बी रूट सी एबीसी पॉजिटिव है तो रूट ए रूट बी रूट सी आपका पॉजिटिव होगा, और रूट ए रूट बी रूट सी पॉजिटिव है और एक्स और वाई भी आपके पॉजिटिव है तो इन तीनों का सम जीरो कैसे हो सकता, मतलब 1.1 इस फैमिली ऑफ स्टेडन का फिक्स्ड पॉइंट हो नहीं सकता कभी, ठीक है। और अगर ये लाइन हटा दे इसमें से, और ये लिखना भी मस्ट है क्योंकि हाँ ए तो नेगेटिव हो सकता है ना, क्योंकि ए के लिए कोई कंडीशन है नहीं, और इसमें इसलिए लिख दिया क्योंकि इसको कन्वर्ट कर नहीं सकता फिर मैं, और इसका पॉजिटिव है तो ए का पॉजिटिव होना भी मस्ट है, तो ए बी सी पॉजिटिव लेना मस्ट है इस क्वेश्चन में। तो देन इसका ओनली फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा -1.1, तो आपको इसका सेकंड ऑप्शन ही फिल करना, ठीक है बस। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना बेटा, इन ए ट्राइंगल एबीसी विद साइड एबी 13 बीसी 5 एंड एसी 12, एक ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड्स आपको गिवन है, स्लाइड्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ट्राइंगल एबीसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे स्लाइड करता है किस तरीके से, व्हाइल ए एंड बी बोथ ऑलवेज लाइज ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मतलब पॉइंट ए तो पॉजिटिव एक्स पे और पॉइंट बी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आपका स्लाइड करता है, देन लोकस ऑफ वर्टेक्स सी, क्योंकि वर्टेक्स सी को फिर अपन को अलग ही मानना पड़ेगा। तो देखो क्या थीम है क्वेश्चन को करने की, समझो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब आप ध्यान देना, ये ट्राइंगल ए बी आपका 13 है, बी सी आपका 5 और 12, तो बच्चे वो सोचते हैं कि सी को मान लो, ये सी को जीरो नहीं लेना है क्योंकि लोकस ऑफ दी वर्टेक्स सी, फिर वर्टेक्स सी का लोकस कैसे बताओगे आप, ये तो कांस्टेंट हो गया, जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन को सी पॉइंट को हवा में लेना पड़ेगा, मतलब इस प्लेन पे लेट करोगे ऐसे, इस कमी बात समझे, सी अगर फिक्स्ड पॉइंट हो गया तो देन सी का लोकस कुछ फाइंड आउट कर ही नहीं सकते ना, तो फिक्स्ड पॉइंट जीरो जीरो आंसर जाएगा क्योंकि आंसर अपन को अलग फॉर्मेट में देना है, ठीक है। तो देखो ये अपने लेट किया, तो सी पॉइंट को मान लेते हैं एच कोमा के, तो अब एच के की लोकस के लिए क्या करोगे, ये लेंथ आपकी 13 है, उसके बाद एसी आपका 12 है और ये आपका 5 है। तो देखो उस क्वेश्चन को करने की बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, और वो थीम क्या सुनो, ये एंगल आपका 90, एच कोमा के में रिलेशन आना है, तो बच्चे बहुत सारे तरीके हैं, ये डिस्टेंस 12 कर दो, ये डिस्टेंस ये कर दो, दो का स्क्वायर ये कर दो और लगे रहो गुणा भाग करने, एच और के में रिलेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत समझने बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या किया देखो मैंने, आप एक बात को सोचो, ये एक ट्राइंगल है तो मैं ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्किल पास करा सकता हूँ, इतना ही कराया मैंने, और ध्यान दो ये एंगल भी आपका 90 है, ये ए बी आपका इस सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है 90, तो ए बी कौन होगा इस सर्किल का डायमीटर, और जो और ये एंगल भी 90 है, इसका मतलब ए बी के रेस्पेक्ट में ये एंगल अगर 90 है तो जो पॉइंट ए बी सी से सर्किल पास होगा वो पॉइंट ओरिजिन से ही पास होगा, तो एक सर्किल को इससे पास कराना, बस इतना समझ में आ गया। तो देखो क्या करना है, सुनो अब थीम क्या है, एच की मैंने रिलेशन लाना, तो क्या किया मैंने, ये बी सी साइड के रेस्पेक्ट में ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल अगर थीटा है तो बच्चों BC के रेस्पेक्ट में ये भी तो सर्कमफ्रेंस हुआ ना, तो बेटा ये भी एंगल क्या होगा थीटा, ये थीटा है तो फिर ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, जरूरत पड़ेगी इसके सिरे बना दिया। अब देखो क्या किया, इस ट्रायंगल ABC में ये एंगल 90 है तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा क्या जाएगा 5/12, क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग tan थीटा इक्वल टू 5/12। उसके बाद देखो ये 90, इस बार क्या किया, इस पॉइंट सी से इस पे ड्रॉ कर दो वर्टेक्स, क्या फर्क पड़ता है, जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एक ट्रायंगल बन गया ना दिस पार्ट, इसको हम नाम दे देते हैं,
OMC, तो इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल 90 है, 90 माइनस थीटा, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी, OM इज बेस, तो OM की लेंथ, ये अगर एंगल 90 है आपने इस पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, तो ये तो H होगा और ये K होगा, तो मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू KYH, और tan 90 माइनस थीटा का मीनिंग cot थीटा इक्वल टू आ गया K/H, cot थीटा क्या आ गया बोलो KYH, और cot थीटा की वैल्यू क्या 12/5 उल्टा H को X से, K को Y से, तो ये X हो गया Y, तो क्या आ गया 12X equal to 5Y, तो ये आंसर होगा इसका 12X equal to 5Y, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अपन को फिल करना, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है अपन को, इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस AX square minus 2XY plus BY square equal to 0 and BX square minus 2A, sorry, minus 2XY plus ay square equal to 0 are such that each pair bisect the angle between the other, then find a plus b. इसका मीनिंग क्या, देखो ये लेट टू लाइन है आपकी l1 एंड l2, सिमिलरली ये अगेन टू लाइंस है लेट l3 एंड l4, तो क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर पेयर, तो इसका प्रॉपर मीनिंग क्या समझो, जैसे लेट ये आपकी l1 और L2 है, तो जो L3 L4 है वो L1 L2 के एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट, ऐसे, मतलब एक लाइन अगर ऐसी होगी, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, तो एक लाइन आपकी स्टेप से लेट करनी पड़ेगी आपको, तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होगा, अगर अपन बात करें तो देखो कर गया ना, L3 L4 L1 L2 के एंगल को बाइसेक्ट करती है, और सिमिलरली L2 L1 आपके L3 L4 के एंगल को क्या करती है बोलो, बाइसेक्ट करती है, ठीक है, जैसे ये अल्फा तो ये अल्फा, सिमिलरली ये अल्फा तो ये अल्फा, ठीक है, ये बीटा तो ये बीटा, तो ये बीटा तो ये बीटा, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो L1 L2 का एंगल बाइसेक्टर होगा वो कौन होगा, L3 L4, तो क्या करो किसी भी एक पेयर का आप एंगल बाइसेक्टर करो फाइंड आउट, और उसको दूसरे पेयर के क्या करोगे, कंपेयर कर दो बस, तो चलो लिखते हैं अपन, फर्स्ट पेयर का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जब भी आपको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो क्या होगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ये लो, अब इसमें देखो A की जगह A लेना है, B की जगह B लेना है, एजिटेज एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, माइनस टू का आधा माइनस वन, तो H आपका क्या होगा बोलो, माइनस के वन, तो अल्टीमेटली क्या आ गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ A माइनस B इंटू एक्स वाई, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस A माइनस B इंटू एक्स वाई सॉरी माइनस वाई इक्वल जीरो, ये आपका आ गया L1 L2 का एंगल बाइसेक्टर, और L1 L2 का जो एंगल बाइसेक्टर वो किसके इक्विवेलेंट है, L3 L4 लाइन के इक्विवेलेंट, तो आप फर्स्ट इक्वेशन की दिस सेकेंड इक्वेशन से क्या कर सकते हो, कंपेयर, तो क्या लिखोगे, इसका कोफिशिएंट v अपॉन 1 इक्वल टू इधर y स्क्वायर कोफिशिएंट a अपॉन इधर y स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस 1 इक्वल टू इधर एक्स वाई का कोफिशियंट माइनस टू अपॉन इधर एक्स वाई कोफिशियंट ए माइनस बी, तो देखो जब आप इन दोनों को कंसीडर करोगे तो क्या आ गया बी इक्वल टू माइनस ए, वी विल गेट ए प्लस बी आपका क्या होगा जीरो, ठीक है, बस इतना ही करना है, और ए को अगर आप माइनस बी लोगे तो ये भी क्या जाएगा, सेम आ जाएगा आपका रिलेशन, ए को माइनस बी लोगे तो ए और बी दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सेम मिल जाएगी, तो ए प्लस बी को जीरो, तो देन इसका ना आंसर थर्ड आपको ऑप्शन फिल करना, ठीक है, चलो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 इज क्वेश्चन 22 में क्या बोला गया है, इफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड लाइन दिस पार्ट आर इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन वैल्यू ऑफ के इज, क्या मीनिंग है, देखो
ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन है, पर वो दोनों लाइन कौन है? इस कर्व लाइन के इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो ऐसे समझते हैं अपन इसको, ये लेट है वाई एक्सिस है, ये लेट आपकी एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ये कोई भी एक सेकंड डिग्री का कर्व है, मैंने रफली ऐसे मान लिया ये एक सेकंड डिग्री का कर्व है। इस सेकंड डिग्री कर्व को ये लाइन क्या करती है बोलो? इंटरसेक्ट। तो देन बोला गया है कि इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली टू लाइंस है, ओ एंड ओ बी। तो बोथ लाइंस ओ ए और ओ बी आपकी क्या है? एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो चलो ये तो बाद में बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करोगे कि ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी। तो आप समझे, ओ ए एंड ओ बी बोथ आर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो ओ ए और ओ बी की जो कंबाइंड इक्वेशन है इज दी होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होगी बोलो? होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इस होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करने का क्या मेथड है? ध्यान दे ब्लैक बोर्ड पे, आप क्या करते हैं होमोजीनाइजेशन। अब क्या करो, इस लाइन की हेल्प से इस सेकेंड डिग्री कर्व का करोगे होमोजीनाइजेशन, क्योंकि ओ ए और ओ बी की अगर दोनों इक्वेशन, ओ ए और ओ बी की जो कंबाइंड इक्वेशन है वो होमोजीनियस पीएसएल है, तो उसमें क्या होगा? ओनली एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक्स वाई की टर्म और वाई स्क्वायर की टर्म। तो आप क्या करोगे, लाइन की हेल्प से कर्व का होमोजीनाइजेशन मतलब डिग्री टू में कन्वर्ट करोगे। तो चलो करते हैं, तो कर्व कौन है आपका? 5x2, इसकी डिग्री ऑलरेडी 2 है, प्लस 12xy माइनस के 6y2, फिर कौन है? प्लस 4x। तो क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 की वैल्यू पुट कर दो लाइन से। तो 1 से लाइन से 1 की वैल्यू क्या होगी? x प्लस के वाई, ये लो। उसके बाद -2y, अगेन इसमें वैल्यू पुट करोगे 1 की, x प्लस के वाई, और लास्ट थिंग कीजिए +3। इसमें क्या ओनली कांस्टेंट है भाई? इसकी डिग्री 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 की वैल्यू पुट करने पे देखो ऑल टर्म्स की डिग्री क्या होगी? 2। इसमें 1 था तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई किया, तो इनकी डिग्री 2। कांस्टेंट है तो 1 स्क्वायर, और 1 का मीनिंग एक्स प्लस के वाई का होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया, इस लाइन की हेल्प से इस कर्व का होमोजिनाइजेशन कर दिया। ये आपकी ओ ए और ओ बी की क्या कंबाइंड इक्वेशन। अब इसके बाद देखो, ये समझे आपकी, ये बोथ लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है? एक लाइन ऐसे इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो दोनों लाइन पासिंग ओरिजिन से, अगर कोई भी दो लाइन एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक लाइन का एंगल, वो ऐसे समझ सकते हैं अपन, ये सेकेंड डिग्री का कर्व है और ये इनकंटेस्ट पॉइंट है। तो ऐसे समझो कि ये ओए है तो ये ओबी है, तो दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। तो अगले का क्या होगा? 135 डिग्री। मतलब एक लाइन का स्लोप 1 है तो अनदर लाइन का स्लोप क्या होगा? -1। तो सिंपल सा फंडा है कि सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन है इसमें दो लाइन है M1 M2, और एक का स्लोप 1 एक का स्लोप -1, तो अपन क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2 जीरो होगा, और सेकेंड डिग्री का जो कर्व है उसमें M1 प्लस M2 का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? -K2H/V0। तो सीधा ऐसे याद करो कि टू लाइन की कंबाइंड इक्वेशन गिवन है और बोथ लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो M1 प्लस M2 जीरो होगा, M1 प्लस M2 का मतलब -K2H/V0, -2H/V0, इसका मतलब MH=0 आ गया, और H का मीनिंग एक्स वाई के कोएफिशिएंट को आपको जीरो करना है, ठीक है? तो जब भी टू कंबाइंड इक्वेशन गिवन हो और वो बोथ लाइंस आपकी क्या हो? इक्वली इंक्लाइंड, तो आपको एक्स वाई के कोएफिशिएंट को जीरो करना है, क्योंकि एक्स वाई का मतलब क्या? H है। तो देखो एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा? इधर तो 12 होगा, इधर एक्स वाई लाने के लिए क्या होगा? +4K, H जीरो करना है आपको। इसमें वाई को करोगे एक्स से तो -K2, और प्लस इसमें एक्स वाई लाने के लिए 2 से, तो 6K=2 क्या आ गया? 0। तो देन 6K और 4K 10K, 12 और -2 +10 = -K10, तो देन वी विल गेट K = -1। मतलब K की वैल्यू को जब -1 लोगे तो जो ओ एर ओ बी बोथ लाइंस है आर इक्वली इंक्लाइन टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो K = -1। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है, ठीक है? चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23। दी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दी लाइंस दिस एंड दिस विच डू नॉट कंटेन ओरिजिन। क्या पूछा गया? इन दो लाइन, ये टू लाइन के बिना L1 L2,
इन दोनों लाइनों के क्या होंगे, टू वाई सेक्टर होंगे आपके। एक लेट ये बी वन वाई सेक्टर है और एक लेट ये क्या है, बी टू वाई सेक्टर। तो अपन से पूछा क्या गया है कि वाई सेक्टर विच नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन। तो अभी थ्योरिटिकल पार्ट है, अपन को पता होना चाहिए जब भी आपको क्या करना हो, वाई सेक्टर विच कंटेनिंग दी ओरिजिन, तो उसकी सिंपल थीम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सी वन सी टू को पॉजिटिव बनाओ। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 3x - 4y + 1=0। इसमें कॉन्स्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, -k 5x - k 12y + 11=0। अब आप इन दो न्यू इक्वेशनों के लिए क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट लाइन अपॉन, फर्स्ट लाइन को रिटर्न करो, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट 5 आ गया, इक्वल टू प्लस माइनस, सेकेंड लाइन को रिटर्न करो, -5x - k 12y + 11 अपॉन अगेन ए इसका बी स्क्वायर क्या गया, 13। और सीधा आंसर है, सी वन सी टू को पॉजिटिव बनाने के बाद जो न्यू क्वेश्चन है आपकी L3 L4, इनके जब आप एंगल बाइसेक्टर लिखोगे तो टेकिंग प्लस का मीनिंग क्या होगा, बाइसेक्टर विच कंटेन्यू दी ओरिजिन, और टेकिंग माइनस पे आंसर आता है बाइसेक्टर विच नॉट कंटेन्यू दी ओरिजिन। तो टेकिंग माइनस वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आप टेकिंग माइनस लेट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन आप इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर इसको याद रखें, अदरवाइज इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इफ दी पेयर ऑफ लाइंस दिस पार्ट, आपको वही 2PSL गिवन है, 2 लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन गिवन है, ax² + 2a + b (xy + by²=0। Lie along diameter of a circle. ये टू लाइन है L1 L2, ये दोनों क्या है, एक सर्कल के डायमीटर के अलॉन्ग, ऐसे एक सर्कल है, लेट एक लाइन L1 ऐसे और एक लाइन L2 ऐसे है, और इसका कौन होगा सेंटर। अब क्या बोला गया है, एंड डिवाइड दी सर्कल इंटू फोर सेक्टर। यस सर, ये L1 L2 इस, अगर L1 L2 इस सर्कल के डायमीटर है तो इसको चार सेक्टर में क्या करती है, डिवाइड करती है। चलो, सच दैट एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर इज थ्राइस द एरिया ऑफ द अनदर सेक्टर। मतलब एक सेक्टर का एरिया अनदर सेक्टर के एरिया का थ्राइस है। तो इसका मीनिंग समझो, एक बार बताओ, अपन ने पढ़ा हुआ है अगर सर्किल की रेडियस r हो तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, 1/2 r² θ। क्या होगा बोलो, 1/2 r² θ, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। इसका थोड़ा यूज करना, देखो ऐसे समझो, ये L1 L2 के बिटवीन एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और सुनो ये थीटा है तो ये क्या होगा, π - θ, और ये भी क्या होगा, π - θ। सिंपल सा फंडा ये है, ये थीटा है, तो जैसे लेट इस सेक्टर का एरिया A1 है तो इसका एरिया भी क्या होगा, A1, क्योंकि दोनों एरिया सेम होंगे क्योंकि थीटा सेम है। और अगर इसका एरिया A2 है तो इसके अपोजिट का एरिया भी क्या होगा, A2। तो क्वेश्चन में बोला गया कि वन एरिया ऑफ वन सेक्टर इज थ्राइस ऑफ द अनदर सेक्टर, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं A1 = 3A2 या 3A2 = A1, नो प्रॉब्लम, जैसा भी लिखोगे। तो A2 का मतलब क्या होगा, सेक्टर A2 का एरिया 1/2 r² π - θ, लो 3 × 1/2 r² π - θ, पहले कंडीशन से है, और अगले में अगेन सिंपल 1/2 r² θ। तो 1/2 r² तो कैंसिल, तो कितना आ गया, 3π - 3θ = θ, तो 4θ = 3π, तो θ = आ गया π/4। थीटा 3π/4 लो, π/4 लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस गिवन कंडीशन से क्या पता चला कि जो L1 L2 लाइंस है इनके बिटवीन एंगल कितना आ गया, 3π/4। तो क्या मीनिंग है, एक एंगल अगर 3π/4 होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिकली π/4। तो ये जो दो लाइन है आपकी L1 L2 इनके बिटवीन आपको एंगल आ गया π/4। अब इस कंडीशन का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक एबीसी में रिलेशन आ जाएगा। तो ये होमोजीनियस आपको पीएसएल गिवन है तो उनके बिटवीन एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, tan θ = √h² - ab / a+b। मोड लगाते हैं क्योंकि एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पाई बाई फोर लो, 3π/4 हमको मोड पॉजिटिव ही मानना है, तो tan 3π/4 लो या tan π/4 वैल्यू वन ही लिखोगे, 2√ एच का मीनिंग एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, तो ये आ गया a + b² होल स्क्वायर, यस सर, -a b एज इट इज और अपॉन में a + b, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी स्क्वायरिंग कर देना तो ए बी में रिलेशन आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर आता फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है चलो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ उसके बाद देखो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है 25। ए स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन वन ऑफ विच इज दिस पार्ट देन इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। क्या मीनिंग है क्वेश्चन का सुनो, ये जो 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 0 लाइन है ये टू लाइन के एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और उन टू लाइन में से वन लाइन आपको गिवन है दिस पार्ट, तो देन अनदर लाइन है, तो बताओ सेकंड जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखो क्या इसका रफली डायग्राम बनाते हैं, ये लाइन लेट L2 है और ये लाइन लेट आपकी L1 है, इसको लेट किया 3x plus 2y जो आपको ऑलरेडी गिवन है, और L1 L2 के एंगल को एक लाइन बाईसेक्ट करती है जिसकी इक्वेशन क्या है 2x plus 3y plus 1 equal to 0। तो देखो इस क्वेश्चन को करने की थीम क्या है, अब आपको L2 की क्या बतानी इक्वेशन, तो देखो उसको करने के दो मेथड है, दोनों समझो फिर देखते हैं। ये लाइन जो डॉटेड है इसका क्या होगा, L1 L2 का बाईसेक्टर, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो आपको अगर इस L2 लाइन का स्लोप मिल जाए तो कार्यक्रम फ्री। तो एक काम करो इसका स्लोप M लेट करो, इसका स्लोप आपका माइनस के 2 बाई 3 है और इसका स्लोप माइनस के 3 बाई 2 है। तो एक काम करो ना, एक बार tan थीटा का फॉर्मूला इधर लगा दो, M1 माइनस M2 अपन 1 प्लस M1 M2, और एक बार tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो इधर, और दोनों से tan थीटा की वैल्यू को कर देना इक्वल, तो इट इज बिकम क्वाड्रेटिक इन M, ये क्या बनेगी M में क्वाड्रेटिक, तो M की दो वैल्यू होंगी, उसमें से क्या होगा M की जो एक वैल्यू होगी वो तो इस लाइन का स्लोप होगा, और सेकंड जो M की वैल्यू होगी वो 100% माइनस 3 बाई 2 आ रही होगी, तो वो यही लाइन मिल जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो इस लाइन का स्लोप तो इससे डिफरेंट ही होगा ना, तो क्या करें tan थीटा को इक्वल करोगे तो M में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो M की जो वैल्यू होगी वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी, और वैल्यू कौन सी लेनी है माइनस 3 बाई 2 से डिफरेंट, क्योंकि tan थीटा का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो एंगल ये और ये अपन को इक्वल करने हैं, तो दो आंसर M में क्वाड्रेटिक, तो एक एंगल सेम बन जाता है। ठीक है, और बाद में इस बाइसेक्टर और इस L1 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पता है, इस लाइन का स्लोप आ गया, तो अपन इक्वेशन लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये करने से इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत सिंपल सी। ठीक है चलो, उसके बाद एक मेथड और है, बहुत अच्छा मेथड है, लॉजिकल इससे भी अच्छा है, हो सकता है वो थोड़ा लेंथी लगे बट समझने में अच्छा। देखो क्या किया, ये लाइन लेट L1 है और ये लाइन लेट आपकी L2 है, इसकी इक्वेशन तो गिवन थी 3x plus 2y plus 4 equal to 0, और ये इन दोनों का बाईसेक्टर है B1, ये बाईसेक्टर गिवन था 2x plus 3y plus 1 equal to 0। तो एक बार बताओ ये जो L2 लाइन है वो क्या है, इस दिस लाइन और इस L1 लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, मेरी बात को सुने, L2 is the line which is passing through the intersection point of L1 and L3, इसको L3 मान लेते हैं लोग, तो L2 line की equation लिख सकता हूँ L1 plus lambda L3, equation of L3 is L1 plus lambda L3 equal to 0, L1 की value put की आपने 3x 2y plus 4 plus lambda times of 2x plus 3y plus 1 equal to 0। ठीक है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इन में से x कॉमन लोगे तो क्या आ गया 3 plus 2 lambda into x plus y कॉमन लोगे तो 2 plus 3 lambda into y और लास्ट एज 4 plus lambda equal to 0। अब देखो आगे थीम क्या है, अब आपको केवल lambda की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो ये अगर एंगल बाईसेक्टर है तो एंगल बाईसेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि एंगल बाईसेक्टर पे कोई भी आप पॉइंट लोगे, उस पॉइंट से जब आप L1 पे क्या ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर और L2 पे क्या ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो इन दोनों की लेंथ क्या होती है से, मतलब मैं लिख सकता हूं PN इक्वल टू PM। और अभी काम करो ना, ये लाइन है इसकी क्वेश्चन पता है, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मान लो जो भी आपकी इच्छा हो, तो मैंने एक काम किया इस लाइन पर एक पॉइंट माना x को मान ले लो तो y क्या आ गया माइनस वन, ये लो इस लाइन पर एक पॉइंट मान लिया 1, -1। ठीक सिंपल, बस पॉइंट ऐसा मानना कि वो
इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ये पॉइंट आ गया तो जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। तो सिंपल है, तो पॉइंट पी माना 1, -1। अब क्या करोगे, इस पॉइंट पी की इस एल टू लाइन से डिस्टेंस, तो पॉइंट को लाइन में पुट करो का मोड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ए दिस इज बी, इक्वल टू 1, -1 की इस लाइन से डिस्टेंस, तो ये तो कॉन्स्टेंट होगी। जैसी करोगे तो लैम्डा की ओनली सिंगल वैल्यू आती है इससे, और बाई चांस अगर लैम्डा की दो वैल्यू मिल जाती है, हाँ सॉरी दो वैल्यू मिलेंगी इसमें, एक तो लैम्डा जीरो आएगा 100%, तो लैम्डा जीरो आ गया इसका मतलब वो सेम लाइन मिलेगी, और लैम्डा जो नॉन जीरो होगा उससे आपको एल टी की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। मेरी बात समझ आई सबको? चलो, और जो मेथड फर्स्ट था उसमें भी ये था, जब आपने दोनों से टेन थीटा इक्वल किया तो एम में क्वार्टिक बनेगी, तो एम की दो वैल्यू है, उनमें से एक वैल्यू क्या होगा, एल वन का स्लोप होगा जिसको नहीं लेना है। तो सेम थ्योरी इसमें है कि लैम्डा की टू वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम, क्वार्टिक बनेगी इसमें, तो लैम्डा की वन वैल्यू जीरो आती है तो एल वन लाइन फाइंड आउट होगी, मतलब सेम लाइन होगी, और जो नॉन जीरो वैल्यू है वो क्या होगी, एल टू के लिए। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग दोनों मेथड सिंपल है। ठीक, चलो, तो उसको सोल्व करने पे ऑप्शन फर्स्ट टिक कर देना। उसके बाद अपन बात करते हैं अब सेक्शन डी की, इसमें ओनली 5 क्वेश्चन है, तो देखो 1 by 1। द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 4, -1 शो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -2, -3 विल बी इक्वल टू 12। तो क्या करें, 4, -5 से टोटल कितनी लाइन पास हो सकती हैं जिनकी दिस पॉइंट से डिस्टेंस क्या 12 है। जब भी लिखाओ तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो, तो दिस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन लेट करो y-y1, तो y+5 इक्वल टू m ऑफ, अब सिंपल सी बात, m की जितनी वैल्यू आप अचीव करोगे उतनी नंबर ऑफ लाइंस अपन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको एक तरफ ले आओ तो क्या आ गया, mx-y-5-4m = 0, और दिस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी करनी है 12, तो पहले पॉइंट को लाइन में पुट करो का मोड, तो -2m -3, ध्यान दो -2m -3 -5 -4m का मोड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 1+m² इक्वल टू क्या करना है बोलो 12। तो देखो सोल्व करने पे क्या आएगा, मोड ऑफ -6m - 8 का मोड इक्वल टू 12√1+, तो इसको सोल्व कर देते क्वार्टिक को, तो कितना आ गया, देखो इसमें से -2 तो कॉमन आ गया, और 2 कैंसिल करने पे क्या जाएगा 3m+4 का मोड इक्वल टू 6√1+m² करो इसकी स्क्वायरिंग, 9m² + 16+24m = 36+36m². सबको राइट में ट्रांसफर करो तो 9m कम करो तो कितना 9 और 7 16, तो 27m² -k 24m + 20 = 0। देखो ये जो m में क्वार्टिक है, केयरफुली जब आप देखोगे तो इसका d नेगेटिव आने वाला है, इसका d क्या होगा 24 का स्क्वायर -4 27 × 20। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो ना, ये एक 27 है, ये 24 × 24 है, और ये क्या 80 है, 27 × 80 और 24 × 24, तो d कैसा होगा इसका नेगेटिव, और किसी भी क्वार्टिक का d नेगेटिव हो तो उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, मतलब m की वैल्यू क्या होंगी, इमेजिनरी। तो नो लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 4, -5 शो डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज 12, ऐसी इस पॉइंट से एक भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जिनकी इस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी 12, तो इसका 0 आंसर आपको फिल करना है। ठीक है, चले, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया, टू पॉइंट्स ax1, y1 एंड x2, y2, ठीक है ना, दो पॉइंट हैं, एक x1, y1 और एक x2, y2 है, आर चूज
ऑन दी ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एन एन एक्स, और इन दोनों पॉइंटों को कहां लिया गया है, एल एन एक्स पे, एक्स वन से बड़ा एक्स टू और दोनों पॉजिटिव है क्योंकि एल एन एक्स में एक्स पॉजिटिव होगा। पॉइंट सी एंड डी ट्राइसेक्ट दी सेगमेंट ए बी विद ए सी लेस देन सी बी। इस ए बी सेगमेंट पे आपको दो पॉइंट मानने हैं सी और डी, जो ए बी सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ए सी सी बी से लेस है, मतलब ए के बाद सी मानना है और सी के बाद डी मानना है, जब ही तो ए सी की लेंथ सी बी सी लेंथ से लेस होगी। तो सी पॉइंट सी से ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन, पॉइंट सी से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है टू कट दी कर्व एट ई एक्स थ्री कॉमा आई थ्री, जो कर्व एल एन एक्स को ई पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इफ एक्स वन इज वन एक्स टू इज 1000 देन वैल्यू ऑफ एक्स थ्री इक्वल, तो देखो कैसे करोगे समझो एक बार रफली। ये कर्व है वाई इक्वल टू एल एन एक्स का, ठीक है, इस कर्व पर एक पॉइंट है ए एक्स वन कॉमा वाई वन और एक अनदर पॉइंट है बी अगेन एक्स टू कॉमा वाई टू। तो ए बी सेगमेंट को आपने ज्वाइन किया, ये सी है और ये डी है, तो देखो ना ए सी की लेंथ और सी बी की लेंथ में सी बी की लेंथ कब बड़ी होगी, जब सी के बाद डी मानोगे, तो ये ऑर्डर आ गया ए सी बी। अब क्या बोला गया, इस पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये लाइन इस कर्व को ई पॉइंट पे कट करती है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ठीक है ना। तो अपन को एक्स थ्री की वैल्यू बतानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो ना, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री लाइन जो दी कर्व, तो क्या जाएगा इससे वाई थ्री इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स थ्री, इसका यूज देखते हैं क्या होगा बाद में। और सुनो, जब ये लाइन ऐसे है तो इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, सेम होगा, तो इस पॉइंट सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कौन होगा, अगेन वाई थ्री होगा। तो आप लिख सकते हो, अब सुनो, जब ये सी और डी पॉइंट इस ए बी सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं तो तीनों रेशियो क्या होंगे, वन, तो पॉइंट सी क्या करेगा ए बी को 1:2 में इंटरनली डिवाइड, तो मैं क्या करूंगा सी पॉइंट का ओनली वाई कोऑर्डिनेट करेंगे फाइंड आउट और उसको वाई थ्री के इक्वल कर दो आप, तो पॉइंट सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई थ्री क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई करो वाई टू से प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो वाई वन से अपॉन 3 आ गया, तो देन इससे y3 क्या अचीव होगा, सुनो y2 का मतलब y2 का मीनिंग होगा y2 इक्वल टू ln x2, तो क्या आ गया ln x2 प्लस 2 ऑफ ln x1 अपॉन 3, चाहो तो उस 2 को ऊपर लेके चले जाओ, और y3 की वैल्यू कितनी है ln x3 इक्वल टू, ये आ गया ln x2 प्लस एल एन एक्स वन का स्क्वायर, तो दिस इज ए प्लस बी लगा दो होल स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो एक्स टू की वैल्यू कितनी है 1000 और एक्स वन तो 1 हटाओ, तो ये कितना रह गया अल्टीमेटली एल एन 10 क्यू अपॉन 3, 3 आगे लोगे तो इससे 3 कैंसिल आउट, तो एल एन एक्स थ्री इक्वल टू क्या गया एल एन 10, तो एक्स थ्री की वैल्यू क्या होगी बोलो 10, तो आपको एक्स थ्री की वैल्यू को 10 फिल करना है, ठीक है, तो उसका 10 आंसर आप फिल करोगे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, ए रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग दी लाइन एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री को जीरो, एक लाइट की रे है जिसको इस लाइन के अलोंग आपको सेंड करना है, अपॉन रीचिंग दी लाइन दिस पार्ट, वो इस लाइन की जैसे ही पास आती है और उससे क्या होगी रिफ्लेक्ट, देन रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, इस पॉइंट इस लाइन के अकॉर्डिंग के अलोंग एक रे आती है और वो इस लाइन से क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है। इफ द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे द लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे इज ax माइनस टू वाई इक्वल टू बी, ये आपको जो रिफ्लेक्टेड रे उसकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, तो देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ये कौन है आपकी बोलो, एक मिरर इमेज की तरह काम करेगी, दिस इज 3x माइनस टू वाई माइनस फाइव को जीरो। अब क्या बोला गया, एक रे ऑफ लाइट इसके अलोंग आती है ऐसे यू, दिस इज x माइनस टू वाई माइनस थ्री को जीरो, और आने के बाद वो इससे क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है इसे, तो देन रिफ्लेक्टेड रे की आपको क्या पता नहीं इक्वेशन, तो क्या करें, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक पॉइंट और एक उसका स्लोप, तो क्या किया, और अपन को पता है वाई रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी,
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, इक्वल एंगल। तो ये थीटा होगा, तो फिर ये भी क्या होगा, थीटा। तो देखो इस लाइन का स्लोप तो कितना है, 3/2, तो इसका स्लोप क्या होगा, -2/3, क्योंकि एंगल 90 है। और इसका स्लोप कितना, 1/2, और इसका स्लोप करना फंड है तो उसको एम लेट कर दो। जब आप दिस लाइन को इसके साथ सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट एम। इसके कोऑर्डिनेट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पॉइंट एम आने के बाद अपन को केवल इसका स्लोप की, तो काम करो एक बार तो टेन थीटा लगा दो फॉर्मूला इधर, और एक बार लगा दो इधर, तो और दोनों से टेन थीटा की वैल्यू को क्या कर देना, इक्वल। तो लिख सकते हैं अपन, पहले तो क्या करोगे, दोनों लाइन को सोल्व कर देते हैं अपन। एक लाइन तो क्या है, एक्स माइनस टू वाई माइनस 3/0, और सेकेंड लाइन है 3x-2y-5=0। तो काम करो ना, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, x-3x = -2x, ये कैंसिल आउट, ये आ गया +2=0, मतलब अल्टीमेटली x = क्या आ गया, 1। और x को जब 1 पुट करोगे तो 2y = क्या आ गया, तो y = हो जाएगा -k1। ये लो, तो m पॉइंट आ गया 1, -1। अब सुनो, पॉइंट आ गया, अब केवल लाइन का क्या चीज, स्लोप। इसमें क्या करेंगे, अब tan थीटा का फॉर्मूला दोनों से इक्वल कर देते हैं। फर्स्ट से tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, m1 - m2, तो 1/2 + 2/3 अपॉन 1 + m1 - m2, तो 1 - k 1/3 का मोड। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 3 इधर 2 उधर, तो 3 और 2 7 अपॉन 3, और ये आ गया 2/3, 7/2 आ गया। एक बार tan थीटा का फॉर्मूला इधर अप्लाई करो, तो देन वी विल गेट अगेन tan थीटा m1 - m2, तो m + 2/3 अपॉन 1 - k 2m/3 का मोड। दोनों से tan थीटा इक्वल करना, तो ये m में क्या बनेगी, क्वार्टिक इक्वेशन। क्या बनेगी बोलो, m में क्वार्टिक, सॉरी नो, दोनों से tan थीटा इक्वल करोगे और मोड हटाओगे, तो एक बार लेना टेकिंग प्लस एक बार टेकिंग माइनस। तो सिंपलीफाई करने पे क्या होगा, एक तो m की वैल्यू फाइंड होती है 29/2, और एक m की वैल्यू अचीव होगी आपके पास 1/2। तो देखो m अगर हाफ आ गया तो वो तो स्लोप इसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये स्लोप नहीं लेना। तो इससे जो रिफ्लेक्टेड रे उसका स्लोप क्या जाएगा, 29/2। ठीक है, इसका भी कोई लॉजिक है कि ये आंसर क्यों सही है, ये एक्स्ट्रा आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये थीटा तो ये 90 - थीटा होगा, समझो उसको, ये स्लोप m है, इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप आएगी अपने पास, ये थीटा, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो अपने पास ये भी एंगल कितना जाएगा, 90 - थीटा। यस सर। तो जब इन दोनों में स्लोप सेम करोगे तो ये भी m में क्वार्टिक बनेगी, तो इससे m की एक वैल्यू ये भी अचीव होती है इसमें। ठीक है, इसलिए इसमें दो आंसर आते हैं। तो m इक्वल टू क्या आ गया, 29/2, m आ गया, पॉइंट पता 1, -1, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या फॉर्मूला, y - y1 = m(x - x1), तो इसको अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आंसर आएगा, y - y1 तो +1 इक्वल टू m इज 29/2 x - k1। तो सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया, 2y + 2 = दिस इज 29x - k 29। इसको उधर ले आओ तो क्या आ गया, 29x - 2y = 31। तो देखो 2y से 2y मैच कर गया, तो 8 तो आ गया 29 और b आ गया 31, तो इनका सम क्या होगा बोलो, 60 आंसर इसका आपको फिल करना। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इफ ऑल दी लाइंस गिवन बाय दी इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट P फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q। पॉइंट P की Q से क्या बताएंगे डिस्टेंस, और पॉइंट P कौन है, इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का फिक्स्ड पॉइंट। तो जब भी आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या करना है, फिक्स्ड पॉइंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, जो गिवन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको कन्वर्ट इनटू L1 + λ L2 0। तो क्या करें, इसमें 2 वेरिएबल है, साइन एंड कॉस। तो साइन के वेरिएबल को एक साथ करो और कॉस के वेरिएबल को अपन करते हैं सेपरेट, और आफ्टर दैट अपन उसको L1 + λ L2 में क्या करेंगे, कन्वर्ट। तो देखो साइन थीटा का कोफिशिएंट तो क्या है, 3x + 7y + 11 × sin θ प्लस कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या होगा, दिस पार्ट, तो कितना होगा, 5x - 3y - 11 = 0।
उसके बाद ये लिख देते हैं कॉस थीटा कोफिशिएंट, साइन से डिवाइड करो तो क्या आ गया 3x प्लस 7y प्लस 11 कॉस अपॉन साइन कॉस थीटा, इसको मैंने लेट किया लैम्डा, कॉन्स्टेंट है, इसको न्यू वेरिएबल नेम दे दिया लैम्डा, तो किस में कन्वर्ट हो चुकी है L1 प्लस लैम्डा L2 जीरो में, तो ये क्या है एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या होगा L1 इक्वल टू जीरो एंड L2 इक्वल टू जीरो का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप क्या करो इन दोनों लाइनों को क्या करो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, तो लिखते हैं अलग से 3x प्लस 7y प्लस 11 इक्वल टू जीरो एंड दिस इज 5x माइनस 3y। तो एक काम करते हैं ना x के कोफिशिएंट को सेम ले आओ तो y मिल जाएगा, इसको 5 से इसको 3 से तो 15 से 15 चला गया, ये आ गया 35y, माइनस किया तो माइनस 9 तो प्लस 9y 44 जाएगा, प्लस आ गया 55 प्लस 33 इक्वल टू जीरो, तो ये तो क्या हो गया 44y प्लस 88 इक्वल जीरो, तो y तो अचीव होगा बेटा माइनस के 2, और y को माइनस 2 पुट कर दो इसमें तो कितना आ गया 5x प्लस 6 माइनस 11 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो x कितना जाएगा बोलो 1, तो अल्टीमेटली जो p पॉइंट है वो कितना आ गया 1, -k2, q पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 10 माइनस 2 मतलब माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो कितना जाएगा बोलो 10, मतलब p और q के जो बिटवीन डिस्टेंस है वो क्या होगी 10, तो इसका 10 आंसर आपको फिल करना। ठीक है चलो, और उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है आपको दिस पार्ट, इफ दी सम ऑफ दी टेंजेंट्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन दी लोएस्ट फॉर्म पी अपॉन क्यू, इस ट्रायंगल की जो एंगल है अंदर एबीसी उनका टेंजेंट मतलब टेन ए टेन बी टेन सी उसका सम p अपॉन q की फॉर्मेट में मेंशन है, लोएस्ट फॉर्म का मतलब लोएस्ट फॉर्म में मानना है, तो बताओ p प्लस q की वैल्यू क्या होगी, तो करते हैं चलो। देखो जरा लेट एक ट्रायंगल abc, तो ये जो इसके इंटरनल एंगल है, अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसके जो इंटरनल एंगल है वो एक्यूट भी हो सकते हैं ऑब्ट्यूज, तो कैसे करना है तो क्वेश्चन को करने की थीम देखो क्या है, एक लाइन तो दिस पार्ट है इसका स्लोप कितना जाएगा 2, इसको 2 मान लेते हैं, एक को BC मान लेते हैं तो इसका स्लोप आ गया -k1 और एक का स्लोप आ जाएगा 1/2, ये लो ये तीनों लाइन का स्लोप गिवन है, क्वेश्चन को करने की थीम देखो क्या है, ये जो इसके एंगल है ABC इनके टेन ए टेन बी टेन सी का सम पूछा गया है, तो मेन पार्ट ये आता है कि सर हो सकता है ये तीनों एंगल एक्यूट हो, अगर ये तीनों एंगल एक्यूट हैं तो टेन ए टेन बी टेन सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर एक एंगल आपका नेगेटिव हो सकता है, तो उसको करने की थीम क्या वो देखो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो एक नॉर्मली एक बार टेन ए का फॉर्मूला लगा दो, मतलब लेट इन दो लाइनों के बीच में एंगल ए है तो टेन ए का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड लगाओ, हो सकता है ये एंगल एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज, एक बार मोड लगा के काम करते हैं तो क्या जाएगा 2 माइनस हाफ इज 3/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 तो 1 प्लस 1 इज 2, तो tan ही तो इससे आ गया 3/4, मोड में काम करते हैं, फिर लिखो tan b इक्वल टू अगेन m1 माइनस m2 1 माइनस 1 माइनस हाफ इज माइनस के 3/2 अपॉन m1 प्लस m2 तो क्या आएगा 1 माइनस के हाफ 1 प्लस m1 m2 तो हाफ आ गए, तो मोड लगाना अपन को तो tan भी आ गया से 3, उसके बाद बात करते हैं tan c की, तो m1 माइनस m2 तो 2 माइनस माइनस 1 इज 3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 तो ये भी कितना आ गया बोलो 3, tan a आपका 3/4 है, अब देखो आगे करना क्या, बहुत अच्छा पार्ट है इसमें समझो, बहुत शॉर्टकट मेथड है, tan a 3/4 है,
टेन वी थ्री और टेन सी भी आपका थ्री है। तो एक बात ऐसे समझो, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है या तो तीनों एंगल एक्यूट होंगे, अगर ये तीनों एंगल एक्यूट हैं तो टेन ए टेन बी टेन सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और या फिर एक एंगल क्या हो सकता है ऑब्ट्यूज, तो टेन ए टेन बी टेन सी में से एक वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो देखो उसको ऐसे आप चेक करो, अगर एबीसी ट्राइंगल के एंगल है तो अपन सबने पढ़ा हुआ है कि एबीसी अगर ट्राइंगल के एंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी का सम पाई होगा, और बाद में अपन लिखते हैं टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का सम क्या होगा तीनों के मल्टीप्लाई के इक्वल। लिख सकते हैं अपन सिग्मा टेन ए मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू पाई ऑफ टेन ए मतलब प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो एक काम करो, एक बार तो टेन ए टेन बी टेन सी को तीनों को पॉजिटिव मानो। तो देखो जब आप इन तीनों को पॉजिटिव लेट कर दो मतलब एक्यूट एंगल लेट कर दो, तो अगर इन तीनों का सम इन तीनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया, इसका मतलब 100% टेन ए टेन बी टेन सी की जो वैल्यू है ये इस कंडीशन को फुलफिल करती है। तो यही आपके क्या होंगे एंगल एबीसी के इंटर एंगल होंगे टेंजेंट। और अगर बाई चांस इन तीनों का सम तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है तो फिर क्या करें, एक एंगल को नेगेटिव मान लेना। अब बात आती है कि कौन सा एंगल नेगेटिव माने। देखो कोई सा भी एंगल नेगेटिव मानो, तीनों एक एंगल को नेगेटिव मानोगे तो तीनों का मल्टीप्लाई तो नेगेटिव होगा, तो इनका समेशन भी क्या लाना नेगेटिव। तो समेशन नेगेटिव कब आ सकता है, जो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट एंगल को नेगेटिव मानोगे, सबसे बड़े एंगल को क्या मानोगे नेगेटिव। तो अपन जो भी सबसे बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे नेगेटिव। बट इसमें थीम क्या है, इन तीनों का सम थ्री और थ्री सिक्स प्लस थ्री बाई फोर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सेवन बाई फोर आ गया, और तीनों का मल्टीप्लाई भी क्या रहा है ट्वेंटी फोर बाई सेवन। इसका मीनिंग क्या है कि टेन ए टेन बी टेन सी इसके एक्यूरेट क्या है इंटीरियर एंगल है, तो इन तीनों को सेम यही मानना है टेन ए टेन बी टेन सी को। तो इन तीनों का सम पूछा है तो क्या गया ट्वेंटी सेवन बाई फोर, तो पी प्लस क्यू, तो ट्वेंटी सेवन और फोर का सम क्या होगा थर्टी वन। तो इसका आंसर आपको क्या करना है थर्टी वन। ठीक है चलो उसके बाद अपन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप डीटीएस एग्जाम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से अपना पेपर दे रहे हैं, अपने तैयारी को चेक करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं आज आपके साथ आपके आठवें टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टेस्ट में आपने बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया होगा। इन चैप्टर से आपके जेई मेंस में जो क्वेश्चन रहता है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पेपर आपका अच्छा गया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह गया है तो आप वो डाउट इस वीडियो को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, करें शुरू। चलो बेटा, आपके सेक्शन ए के अंदर हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट बेकेलाइट। बेकेलाइट के बारे में जो कथन आपको सत्य नहीं लग रहा है, जो इनकरेक्ट है, वो आपको देखना है। बेकेलाइट इज ए लीनियर पॉलीमर। बेकेलाइट एक रेखीय बहुलक है, क्या ये बात सही है बेटा? नहीं, बेकेलाइट एक लीनियर पॉलीमर नहीं है, रेखीय बहुलक नहीं है, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, त्रियक बंधित बहुलक होता है। तो इसमें आपके पास फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, इट इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। बिल्कुल सही बात है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट इज ए क्रॉस लिंक पॉलीमर, ये भी सही बात है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमराइजेस टू फॉर्म पॉलीमर डेक्रोन। बहुलक डेक्रोन आपको बनाना है, तो डेक्रोन क्या है आपके पास, एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, संघनन बहुलक होता है। ठीक है, ये पॉलिस्टर सीरीज में, पॉलिस्टर कैटेगरी में रखा गया है इसको। ठीक, अब अपने को देखना है कि इसके मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं, यही आपसे इसमें पूछा हुआ है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन हैं, आप देखें इनमें से। डेक्रोन बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, टर्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल लेना पड़ेगा बेटा। बात समझ में आ रही है, इथाइलिन ग्लाइकोल
प्लस आपको इसमें ये टर्थैलिक एसिड लेना है, बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा? ईस्ट्रीफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, एस्ट्रीकरण प्रक्रिया हो जाएगी, और ईस्ट्रीफिकेशन प्रोसेस से यहां जो आपको पॉलीमर मिल रहा है टेरिलीन, जो पॉलीमर मिल रहा है टेरिलीन, इसी टेरिलीन को डेक्रोन भी कहा जाता है। ये आपके पास है डेक्रोन टेरिलीन। तो ये हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, थाइलीन ग्लाइकोल है ये आपके पास, और ये है टर्थैलिक एसिड। आंसर क्या आ गया आपके पास? थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिम्युलेट द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। आमाशय में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्त्राव को उद्दीप्त करने के लिए कौन सा रसायन, कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है? हम जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, गलत टाइम पर खाना खा लेते हैं, तो हमारे स्टमक में, आमाशय में जो एसिडिटी क्रिएट होती है, वो एसिडिटी कौन से केमिकल की वजह से रिलीज होती है? जो केमिकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है, वो किस की वजह से रिलीज होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पर कौन सा केमिकल आएगा? हिस्टामिन। कौन सा केमिकल आएगा बेटा? हिस्टामिन। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये अल्फा एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा। विच वुड बी करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आर, आपको इस आर की स्ट्रक्चर लगानी है, 4-एमिनो एसिड ग्लूटेमाइन, ग्लूटेमाइन के लिए आर की क्या स्ट्रक्चर होगी, आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो ग्लूटेमाइन में आपके पास ये देखना है कौन सा आर लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप इसको यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ग्लूटामिक एसिड। क्या बन जाएगा? ये ग्लूटामिक एसिड हमें चाहिए, ग्लूटेमाइन। तो ग्लूटामिक एसिड का जो एमाइड होता है, ग्लूटामिक एसिड का जो एमाइड है वही ग्लूटेमाइन होता है। तो आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा? कौन सा आंसर आ जाएगा? ये ग्लूटामिक एसिड है। ये क्या है? ये अगर मैं इस आर की जगह ये वैल्यू रख देता हूं, ये मैंने R की जगह लिख दिया, फिर CH NH2 COOH, ये ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। इसमें इस OH को रिप्लेस करके अगर यहां पर हम एमाइड बना दें, इसको क्या बना दें? एमाइड बना दें, तो अब ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा? ग्लूटामाइन का हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? फोर्थ। ठीक, आप लोगों को एनसीईआरटी में 20 अमीनो एसिड दिए हुए हैं, आपको उन 20 अमीनो एसिड को प्रॉपरली सही तरीके से याद करना है, वहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटेड टू इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, रक्त के थक्के के जमने के समय में वृद्धि से संबंधित कौन सा विटामिन है, आपको ये चेक करना है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को इंक्रीज करता है? जस्ट याद रखने वाला टॉपिक पॉइंट है ये, विटामिन के। विटामिन के की अगर अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। The substance which relieves anxiety, reduces mental tension and induces sleep are called, वे पदार्थ जो चिंता में राहत देते हैं, मानसिक तनाव को कम करते हैं और नींद को प्रेरित करते हैं, उन केमिकल्स को क्या कहते हैं, उन ड्रग्स को क्या कहते हैं? तो सीधा याद रखने वाला पॉइंट हो गया, प्रशांतक ट्रांक्विलाइजर, प्रशांतक ट्रांक्विलाइजर। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिकल इनिशिएटर इन एडिशन पॉलीमराइजेशन? योगात्मक बहुलकीकरण को अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन होती है, फिर चेन प्रोपेगेशन होती है, फिर चेन टर्मिनेशन होती है। तो चेन को इनिशिएट करने के लिए जो इनिशिएटर यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। तो जनरली वो क्या यूज किया जाता है, परोक्साइड। जनरली क्या यूज किया जाता है, परोक्साइड। तो आप देखें यहां पर ये सारे ही परोक्साइड है, ये बेंजोइल परोक्साइड है, ये एसिटाइल परोक्साइड है, ये टर्शरी ब्यूटाइल परोक्साइड है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं इनिशिएटर की तरह से यूज किए जा सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, फोर्थ। बात समझ में आ रही है? एडिशन पॉलीमराइजेशन में चेन इनिशिएशन, फिर उसके बाद चेन प्रोपेगेशन और उसके बाद चेन टर्मिनेशन होता है। तो चेन को इनिशिएट करने के लिए, श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इनिशिएटर बोलते हैं। रेडिकल इनिशिएटर भी आप इसे कह सकते हैं, मूलक प्रारंभक भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसके लिए जनरली किसको यूज किया जाता है, परोक्साइड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, Which of the following statement is not true about fructose? Fructose के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो फ्रक्टोज से रिलेटेड आपको चेक करना है, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। यह है टॉलन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता। क्या फ्रक्टोज टॉलन रिएजेंट का रिडक्शन नहीं करता, अपचयन नहीं करता? बिल्कुल करता है बेटा। फ्रक्टोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड कोई भी हो वो टॉलन रिएजेंट का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, अपचयन करेगा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू पूछा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। अपन बाकी देख लेते हैं। फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्रियात्मक समावयवी भी है, यह भी सही है। इट इज फाउंड इन टू एनोमेरिक फॉर्म, यह दो एनोमेरिक रूपों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अल्फा और बीटा दो एनोमेरिक फॉर्म बनते हैं। तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ तो करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट आपके पास इनकरेक्ट है और आपसे यही पूछा हुआ है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज एडेड टू सोप टू मेक इट एंटीसेप्टिक? साबुन को पूतिरोधी बनाने के लिए उसमें किसको मिलाया जाता है, बाइथायनल। किसको मिलाया जाता है बेटा, बाइथायनल को मिलाया जाता है। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन, इसमें इसमें आपको सब चीजें, इनकी स्ट्रक्चर हमें अच्छे से याद रखनी होगी बेटा। आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें इतने क्लोरीन है, या आपसे कह दे बायथाइनल में कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, या बायथाइनल में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, या बायथाइनल में सल्फर कहां पर प्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये आपके जो ये चार चैप्टर हैं उसके लिए आपकी एनसीईआरटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से याद करें बेटा। उन स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है उनके टेस्ट भी आपको पता होने चाहिए। जैसे यहां पर फिनॉल ग्रुप है तो फिनॉल ग्रुप में कौन सा टेस्ट लगता है, FeCl3 पॉजिटिव टेस्ट लगता है। तो आपको इस तरह के टेस्ट भी अच्छे से याद करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी डिटेक्टेड बाई मॉलिस टेस्ट? मॉलिस जान द्वारा कौन से यौगिक की पहचान की जा सकती है बेटा? आपके पास इस क्वेश्चन में आपके पास ये चार कंपाउंड है और आपको ये पता लगाना है कि मॉलिस टेस्ट से आप इन चारों में से किसको आइडेंटिफाई कर सकते, किसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। इन चारों में से कार्बोहाइड्रेट कौन है, डी ग्लूकोज। चारों में से कार्बोहाइड्रेट कौन सा है बेटा, डी ग्लूकोज है। तो डी ग्लूकोज के लिए मॉलिस जांच बिल्कुल सही रहेगी, डी ग्लूकोज को आप चेक कर पाओगे। बाकी तीनों में मॉलिस टेस्ट नेगेटिव होगा और डी ग्लूकोज में मॉलिस टेस्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ग्यारह नंबर है, क्लोरेम्फेनिकोल इज एन, क्लोरेम्फेनिकोल क्या है? क्लोरेम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है बेटा। और वो भी कैसा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, विस्तृत स्पेक्ट्रम आपके जो है ये प्रतिजैविक है।
ट्वेल्थ क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखें इसके अंदर गट्टा पर्चा पोली ट्रांस आइसोप्रीन है, ये तो सही है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लैक्टोज मोनोसैकेराइड है, ये गलत हो गया बेटा, आपका ये आंसर है। लैक्टोज मोनोसैकेराइड नहीं होता है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है। इसमें आपके पास दो तरह की मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपके पास रहती हैं, तो लैक्टोज कैसा है, डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड नहीं है। प्रोटीन किससे बनती है, अल्फा अमीनो एसिड से बनती है, तो ये करेक्ट मैच किया हुआ है। प्रोटीन किससे बनेगी, अल्फा अमीनो एसिड से। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी है। गट्टा पर्चा ये भी सही है, लैक्टोज वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके पास कोई डाइसैकेराइड है तो डाइसैकेराइड की दोनों यूनिट, दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट अगर सेम है तो आप उसे डाइसैकेराइड या होमोडाइसैकेराइड कह सकते हैं, और दोनों यूनिट डिफरेंट है तो आप उसे डाइसैकेराइड भी कह सकते हैं और हेट्रोडाइसैकेराइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म्स द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जैव निम्नीकृत बहुलक। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब है कि कोई ऐसा पॉलीमर जिसको इजीली डिग्रेड किया जा सकता है बैक्टीरिया, एंजाइम या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये डिग्रेड होने वाले पॉलीमर होने चाहिए। डिग्रेड होने से जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनना चाहिए। किसी भी पॉलीमर को डिग्रेड होने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिनका पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल बनेगा। तो पहले में आप देखें, आपके पास नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बनेगा। फर्स्ट से क्या बनेगा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बनेगा, और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। इसी तरह से आपके एनसीईआरटी में जो है पीएचबीवी भी दिया हुआ है, वो भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पीएचबीवी जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, पॉलिस्टर कैटेगरी में आता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बनेगा वो बायोडिग्रेडेबल है, पॉलीएमाइड की कैटेगरी में आता है। ठीक है बेटा, तो आपके पास यहां पर फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बाकी सबसे जो पॉलीमर बनेंगे वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होने वाले। ठीक, विच एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल, एमिनो अम्ल अनावश्यक। नॉन एसेंशियल अनावश्यक एमिनो अम्ल का मतलब है कि वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, हमारे शरीर में ही उनका संश्लेषण हो रहा था, इसलिए उनका हमारे डाइट में प्रेजेंट होना कंपलसरी नहीं है। और कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, शरीर में जिनका सिंथेसिस संश्लेषण नहीं होता है, उनको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आवश्यक अमीनो अम्ल। अब आपसे यही इस क्वेश्चन ने पूछा है कि नॉन एसेंशियल कौन सा होगा। ऑप्शन आपके पास सामने है, आप इन ऑप्शन को रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आएगा। थर्ड कौन सा आएगा बेटा, थर्ड, दोज विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, वे जो शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल कहते हैं। द एनोमर ऑफ फ्रक्टोज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर डिफर इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट विच कार्बन। बेटा फ्रक्टोज में आपको अल्फा बीटा फॉर्म मिलेगी। अब ये पूछा है कि कहां पर डिफरेंस होगा, चलो देखते हैं। आपके पास वन टू थ्री फोर, ये इस पर अटैक करेगा, ये यहां से
तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो ये जो सेकेंड कार्बन है यहां पर आपको एनोमेरिक कार्बन मिलने वाला है। तो डिफरेंस कहां पर होगा? सेकेंड कार्बन पर डिफरेंस होगा, बाकी किसी भी कार्बन पर डिफरेंस नहीं होगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा आपके पास? सेकेंड आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। जब आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेकेंड कार्बन पर आपको एनोमेरिक कार्बन मिलने वाला है, यानी कि सेकेंड कार्बन का कॉन्फिगरेशन चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। फ्रक्टोज रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट ड्यू टू, फ्रक्टोज टोलेन अभिकर्मक का अपचयन किस कारण से करता है? फ्रक्टोज में डायरेक्ट कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, लेकिन फ्रक्टोज कैसा है? एक रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि आपके जो मोनोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स को आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एल्डोज दूसरा कीटोज। एल्डोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप हम इजीली समझ लेते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। लेकिन जो कीटोज हैं, मोनोसेकेराइड में जो कीटोज हैं, वहां पर डायरेक्ट कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, फिर वो रिड्यूसिंग शुगर कैसे बन जाते हैं, ऐसा क्या है? एक्चुअली में टोलेन रिएजेंट एल्कलाइन मीडियम में काम करता है, फेलिंग सॉल्यूशन एल्कलाइन मीडियम में काम करता है, और जो कीटोज हैं वो एल्कलाइन मीडियम में टॉटोमेरिज्म के थ्रू एल्डिहाइड ग्रुप बनाते हैं। देखो कैसे, आपके पास ये इस तरह से कोई कीटोज होगा। अब एल्कलाइन मीडियम टोटोमेरिज्म एसिडिक मीडियम में होता है या एल्कलाइन मीडियम में होता है? टोलेन रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। तो जो एल्कलाइन मीडियम आप इसमें यूज करोगे तो यहां पर पहले एक टोटोमेरिज्म होगा। आप देखें क्या करने वाले हैं, ये टोटोमेराइज होगा, इतना टोटोमेराइज हुआ। अब यहां पर फिर एक बार टोटोमेराइजेशन होगा, टोटोमेराइजेशन चला व्यवता यहां पर एक बार और हो जाएगी बेटा। अब क्या होगा, यहां पर ये हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर होगा, ये बना। इसका मतलब यह है कि एल्केलाइन मीडियम में जो आपका कीटोज फॉर्म है और जो एल्डोज फॉर्म में है वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है वो टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब हम सोल्व करते हैं, देखो फ्रक्टो रिड्यूसेस टोलेन रिएजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये इसका रीजन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, ये भी इसका रीजन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बाय इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज इन एल्कलाइन मीडियम, क्षारीय माध्यम में फ्रक्टोज के इनोलीकरण से एल्डिहाइड समूह का बनना, ये बिल्कुल सही बात रखी हुई है। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता ही नहीं, फ्रक्टोज में नहीं होता बेटा एल्डिहाइड ग्रुप, ध्यान रखना। इसके इनोलाइजेशन से एल्डोज प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ आरएनए, आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए में ये जो यूरेसिल है इसकी जगह क्या आता है? थायमिन आता है। अब आपको ये देखना है कौन सा आरएनए में प्रेजेंट नहीं है। ये स्ट्रक्चर एडेनिन की है, ठीक है, ये साइटोसिन की है, ये यूरेसिल की स्ट्रक्चर है और ये थायमिन की स्ट्रक्चर है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये तो थायमिन की स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ आरएनए,
कौन सा आरएनए का घटक नहीं है? तो आंसर क्या आ गया आपके पास, सेकंड, थायमिन आरएनए का पार्ट नहीं है, थायमिन डीएनए का पार्ट होता है। ठीक, वॉटर सैंपल इज कॉल्ड क्लीनेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच वन ऑफ द बीओडी वैल्यूज गिवन बिलो। बीओडी मान में से किसके आधार पर जल के नमूने को सर्वाधिक स्वच्छ कहा जाएगा? तो आपको बीओडी वैल्यू देखनी है इसके अंदर, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, 5 ppm से अगर वैल्यू कम है बीओडी वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाटर अच्छे से पीने के काम आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? प्रकाश रासायनिक स्मॉग का घटक कौन सा है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको इन्हें अच्छे से याद रखना होता है बेटा। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर आपका ये भी होता है, ये भी होता है, थर्ड नहीं होता है, तो आंसर के आगे आपके पास बेटा फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट, फाइंड द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज। माल्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है, वो भी कैसा, होमोडाइसेकेराइड। उसकी मोनोमर यूनिट कौन सी होती है? ग्लूकोज यूनिट होती है। चलो देखते हैं इसके अंदर ग्लूकोज में भी कौन सा ग्लूकोज, अल्फा, थर्ड आंसर, कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर, अल्फा डी ग्लूकोज। एंड अल्फा डी ग्लूकोज से क्या बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज दोनों का आप अगर कंडेंसेशन करवाते हैं तो आपको कौन सा डाइसेकेराइड मिलता है, माल्टोज। ये स्ट्रक्चर किसका बेटा, देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर आपको किसका दिखाई दे रहा है, एस्पाइरिन। ये स्ट्रक्चर किसका है, एस्पाइरिन का बेटा। और एस्पाइरिन कैसा होता है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, अस्वापक पीड़ाहारी है, बिल्कुल सही है, नॉन नार्कोटिक, अस्वापक का मतलब है ऐसे एनाल्जेसिक जिनका हम जो है हैबिचुअल नहीं होते हैं, जिनकी हमें आदतें नहीं पड़ती हैं, उनको हम नॉन नार्कोटिक अस्वापक कहते हैं। और एक होता है नार्कोटिक स्वापक, जिनके हम बाद में जो है एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन अपने को जिनका हो जाता है, मॉर्फिन है, हेरोइन है, कोडीन है, ये एनाल्जेसिक है लेकिन नार्कोटिक कैटेगरी में आती हैं। तो एस्पायरिन नॉन नार्कोटिक है, एंटी पायरेटिक भी होती है, ज्वर नाशी भी होती है, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, एंटी हिस्टामाइन नहीं होती है, प्रति हिस्टामाइन नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। एस्पायरिन कैसे बनाते हैं आप, बाय द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक अम्ल का अगर अपन एसिटिलीकरण करें तो आपको क्या मिलेगा, एस्पायरिन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसेप्टिक, कौन सा पूतिरोधी नहीं है? एंटीसेप्टिक जो है आप लिविंग टिश्यू पर लगा सकते हैं, जीवित उत्तकों पर उनका यूज कर सकते हैं, आपको ऐसा एंटीसेप्टिक काम में लेना है। सोफ्रामाइसिन एंटीसेप्टिक है, फ्यूरासिन एंटीसेप्टिक है, डेटॉल एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक ये नहीं है बेटा। 1% सॉल्यूशन, फिनोल का 1% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक नहीं होता है, बात समझ में आ रही है। नियर अबाउट 0.2% जो है, 0.2% या उससे कम का कोई कॉन्सेंट्रेशन फिनॉल में है तो वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि फिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके आप इसे एंटीसेप्टिक और डिसइनफेक्टेंट दोनों बना सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है 1% ऑफ फिनॉल, ये क्या है, डिसइनफेक्टेंट है, हम इसे लिविंग टिश्यू हमारे बॉडी के ऊपर इसे यूज नहीं कर सकते। सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन का संपक्ष रूप क्या है, नेचुरल रबर। संपक्ष रूप क्या है आपके पास, नेचुरल रबर है। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई इथाइलीन। उच्च घनत्व पॉलीथीन को एथिलीन से बनाया जा सकता है, कौन से प्रोसेस है, जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट काम आता है वहां पर, कौन सा कैटलिस्ट काम आता है, जिग्लर नाटा कैटलिस्ट काम में आता है बेटा, उससे बनता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन आता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड
लाइंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीएमाइड, निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड नहीं है। नाइलॉन 6-6 पॉलीएमाइड का मतलब ऐसा ग्रुप होना चाहिए। इसको कहते हैं एमाइड बॉन्ड। तो नाइलॉन 6-6 पॉलीएमाइड है। प्रोटीन में भी ये ग्रुप होता है। प्रोटीन में इस ग्रुप का एक और नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लिप्टल नहीं है बेटा, ग्लिप्टल आपके पास पॉलिस्टर है, नाइलॉन 6-6 पॉलीएमाइड है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर आ जाएगा। द डाइपेप्टाइड ग्लाइसिन एलेनिन, आपको डाइपेप्टाइड दिया है ग्लाइसिन एलेनिन, ठीक है। अब आपको इनकी स्ट्रक्चर देखनी है बेटा। आपको ये एक डाइपेप्टाइड दिया है, डाइपेप्टाइड में जो स्ट्रक्चर जिस ऑर्डर में लिखी है आपको उसी ऑर्डर को फॉलो करना होगा, उसे चेंज नहीं करना होगा। तो ग्लाइसिन जो है आपके पास कैसा स्ट्रक्चर वाला होता है? CH2COOH, ये तो होता है ग्लाइसिन, ठीक है। और इसके साथ आपको मिक्स करना है एलेनिन। एलेनिन की स्ट्रक्चर क्या होती है? NH2CH COOH और यहां पर आ जाएगा CH3, ये होता है एलेनिन, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है? कंडेंसेशन करना है। इनमें ये भी ध्यान रखना है, अब डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड है या प्रोटीन है, इनके प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो सीक्वेंस है उसमें ध्यान रखना होता है। जो लेफ्ट साइड है वो नाइट्रोजन टर्मिनल होना चाहिए, राइट साइड जो है वो कार्बन टर्मिनल होना चाहिए। तो यहां से मैं OH को रिमूव करूंगा और इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा। इसमें से एक हाइड्रोजन, यहां से OH को रिमूव करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इनको रिमूव करने से हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी, NH2CH2CO, ठीक है, फिर NH CH CH3COOH, ये स्ट्रक्चर बनी। अब आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, वो एक ज्विटर आयन की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ज्विटर आयन की फॉर्म में है। तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा और वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो NH3 पॉजिटिव होगा और COO नेगेटिव होगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए। चलो देखते हैं इसमें ऐसा स्ट्रक्चर कहां पर है। देखो बेटा ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन में कहां पर है बेटा? ये फर्स्ट ऑप्शन में है। बात समझ में आ रही है? ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज काइरेल कार्बन इन इट्स मोनोमर, कौन से बहुलक के एकलक में काइरेल सेंटर प्रेजेंट है, ये चेक करना है। तो अगर आपको बनाना है नियोप्रिन का मोनोमर बनाना है, ठीक है, मोनोमर आपको फर्स्ट के लिए जो चाहिए वो ऐसा होगा, इसमें कोई काइरल सेंटर नहीं है। सेकंड की बात करें PHBV, इसकी बात करें तो इसके जो मोनोमर्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, इसमें यहां पर काइरल सेंटर अवेलेबल है। टेरिलीन को बनाने के लिए जो आपको मोनोमर दिए जाएंगे वो ये बनेगा,
इसमें भी कोई कायरल नहीं है। टेफ्लॉन के लिए जो मोनोमर आपको दिए जाएंगे वो कुछ ऐसा होगा। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर कायरल है, ठीक बेटा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड्स। अब आपके पास आप देखें कुछ बॉन्ड है और यहां पर कुछ आपके पास कंपाउंड्स हैं, तो पॉलीसेकेराइड में कैसा बॉन्ड होता है? पॉलीसेकेराइड में आपके ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है। फर्स्ट में बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फर्स्ट में बी होना चाहिए। तो आपका ये आंसर तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आप देखें प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो सेकंड में क्या आएगा? सी आएगा। फर्स्ट में बी आएगा, सेकंड में आपके पास सी आएगा, तो सेकंड में ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, सेकंड में सी आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें क्या रहेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ऐसा ऑप्शन यहां दिया हुआ है। आंसर कौन सा आ गया आपके पास? सेकंड हो गया, ठीक। Which of the following is not a synthetic rubber? निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित रबर नहीं है, सिंथेटिक रबर नहीं है? ये नियोप्रीन है, सिंथेटिक रबर होता है। ये आपके पास, ये क्या है आपके पास? नियोप्रीन है। ये आपके पास ब्यूना एन है। ये आपके पास पोली आइसो प्रीन है और ये आपके पास ब्यूना एस है। तो आपसे पूछा है नॉट ए सिंथेटिक रबर, कौन सा संश्लेषित रबर नहीं है? थर्ड, पोली आइसोप्रीन नेचुरल रबर की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? नेचुरल रबर की कैटेगरी में आता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइड लिंकेज इज रिलेटेड टू डी प्लस लैक्टोज। डी प्लस लैक्टोज से संबंधी ग्लाइकोसाइड बंधन निम्न में से किस में है? तो लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है और वहां पर आपको क्या होगा मिलेगा? 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड मिलेगा। 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड में भी कैसा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। कौन सा मिलेगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। लैक्टोज के लिए आपको क्या चाहिए? बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज चाहिए। बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज का अगर आप कॉम्बिनेशन करके डाइसेकेराइड बनाएंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलने वाला है? डी प्लस लैक्टोज मिलने वाला है। तो ग्लाइको, इस गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन यूज होगा? C1। और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन होगा? C4। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? एक ग्लाइकोसाइड बॉन्ड मिलेगा। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपके पास आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत कथन पहचानना है। एमाइलोपेक्टिन इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। एमाइलोपेक्टिन लीनियर पॉलीमर नहीं होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। इनकरेक्ट पहचानना था, यही आपके पास इनकरेक्ट आ गया। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। सेल्युलोज कंटेन्स बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ये भी बिल्कुल सही है। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? फर्स्ट। Which of the following is not related to nylon 66? Nylon 66 से संबंधित कौन सा नहीं है, ये आपको पता लगाना है। Nylon 66 देख लेते हैं कैसे बनता है। इन दोनों का अगर मैं पॉलीमराइजेशन करूं,
हेक्सामिथाइलिन, डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, इन दोनों में अगर मैं पॉलीमराइजेशन करूं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करूं, अगर मैं संघनन बहुलकीकरण करूं, तो मुझे यहां पर ये मिलेगा नाइलोन 6-6, दोनों में 6-6 कार्बन मोनोमर में, इसमें मोनोमर में प्रेजेंट है, तो इट इज ए कोपोलीमर सहबहुलक है, ये आपको सही मिला है, नॉट रिलेटेड पूछा है बेटा, ये जरूर ध्यान रखेंगे, तो ये तो इससे रिलेट कर रहा है, इट इज पॉलिस्टर, ये पॉलिस्टर नहीं है, पॉलीएमाइड है, क्या है ये, पॉलीएमाइड है, इट इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, बिल्कुल सही है, जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होते हैं, और जो एडिशन पॉलीमर है उनको क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर बोला जाता है, इट इज ए फाइबर पॉलीमर, रेशा बहुलक है, बिल्कुल सही है, नाइलॉन रेशा पॉलीमर है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा मिलान सही है, ये आपको देखना है, करेक्टली पूछा है बेटा, ये जरूर ध्यान रखेंगे आप, सुक्रोज पॉजिटिव टोलन टेस्ट देगा, सुक्रोज धनात्मक टोलन परीक्षण देता है, ये करेक्ट है, नहीं है बेटा ये गलत है, पॉजिटिव नहीं देता, क्योंकि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अनअपचायक शर्करा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि सुक्रोज की जो मोनोमर यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये दोनों जो मोनोमर यूनिट है इनका एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गया, इसलिए ये टोलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। सुक्रोज होमोडाइसैकेराइड है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सुक्रोज की दोनों मोनोमर यूनिट सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो होमो नहीं हेट्रोडाइसैकेराइड होगा। सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज से बनता है, ये गड़बड़ है, अल्फा नहीं यहां बीटा होता है, सुक्रोज में अल्फा बीटा 1-2 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या चला गया बेटा, फोर्थ चला गया, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 एनोमेरिक कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से कनेक्ट होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इनको चेक करना है आपको, ठीक है, सेविंग सोप कंटेन्स ग्लिसरॉल, दाढ़ी बनाने वाली साबुन में ग्लिसरॉल होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर यूज्ड एज एन एंटासिड, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है, एक गम रोजिन इज एडेड वाइल मेकिंग सेविंग सोप, दाढ़ी बनाने वाले साबुन के निर्माण के समय रोजिन नामक गोंद मिलाया जाती, यह भी सही है, तो आपको इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ही आपको इसमें चेक करना है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है बेटा। डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे कौन से कंपाउंड है जिससे आप H2SO4 की हेल्प से डिटर्जेंट बना सकते हैं, तो देखें इनमें क्या है आपके पास, डोडेसाइल बेंजीन, ये सही है, बना सकते हैं, स्टेरिक एसिड से नहीं बना सकते हैं आप, लॉरिल एल्कोहल से बना सकते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों को यूज कर सकते हो आप, आंसर आ जाएगा फोर्थ, आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ, डोडेसिल बेंजीन और लॉरिल एल्कोहल दोनों पर H2SO4 का आप रिएक्शन करवा करके डिटर्जेंट बना सकते हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज ड्यू टू फ्रियॉन, ठीक है, डीडीटी, डीडीटी क्या है बेटा आपके पास, एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैव अनिम्नीकृत है, तो देखें नाइट्रोजन नहीं होता डीडीटी के अंदर, डीडीटी आपके पास CCl3 CH ये DDT होती है बेटा, तो
इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ये, जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक होता है बेटा ये, ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं है। थर्ड आंसर हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, कौन सा सही है, पीएच ऑफ रेन वॉटर ड्रॉप्स बिलो 5.6 देन रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, वर्षा जल का पीएच 5.6 से अगर नीचे चला जाए तो वर्षा जल को अम्लीय वर्षा कहते हैं, ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है। द डिक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बढ़ जाए तो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपके पास गलत है, ये सही है। SO2 इज ए इज नॉट ए गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, SO2 एक गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है, ये भी गलत है, ये एयर पॉल्यूटेंट होता है। F नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बिलो 1 ppm causes brown mottling of teeth, ये भी गलत है बेटा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा गया, फर्स्ट, ठीक। आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया है और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा और जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का भी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये आपके पास कौन सा कंपाउंड बन गया, सैकेरिक एसिड, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई सोलिबिलिटी इन वॉटर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कैन बी एक्सप्लेन्ड, ये दोनों हाई क्यों हैं, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड ज्विटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा होता है, तो इन चारों में से आप देखें ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कौन सा आपके पास फर्स्ट है, आयनिक स्ट्रक्चर है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई सॉल्युबिलिटी हो जाएगा इसके अंदर। अब देखिए यहां पर आपके पास टॉलेंस रिएजेंट है और इसका आपको इसके साथ रिएक्शन करवाना है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और इसके ऑक्सीडेशन से क्या मिलने वाला आपको, सी डबल ओ एच, एसिडिक कंडीशन भी साथ में दे रखी है, तो बाकी कुछ में चेंज नहीं होने वाला है, तो ये आंसर नहीं होगा, फर्स्ट आंसर नहीं आएगा बेटा इसमें, सेकंड आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये प्रॉब्लम हो गई, ये भी नहीं आएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक। टॉलेन रिएजेंट इसको सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग ऑफ एग इज कॉल्ड, चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी नहीं है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, ठीक। जब हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता, सेकेंडरी टर्सरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। Which of the following is used in toothpaste? Toothpaste में, दंत मंजन में किसका उपयोग किया जाता है, ये डायरेक्ट याद रखने वाला पॉइंट है बेटा, ऋणायनिक अपमार्जक एनायनिक डिटर्जेंट को इसमें यूज किया जाता है। पॉलीमर विच कंटेन्स वीक इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, वीक इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, दुर्बल अंतरणविक आकर्षण आपसे पूछा है, तो आपके पास एक होता है इलास्टोमर, एक होता है आपके पास फाइबर और एक आपके पास है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो जो इलास्टोमर है उसमें अट्रैक्शन सबसे वीक होता है, फाइबर पॉलीमर है उसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, और जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक दोनों के बीच में सेट हो जाता है, तो आपको इनमें से क्या देखना है, इलास्टोमर देखना है,
प्रत्यास्थ बहुलक देखना है तो इलास्टोमर प्रत्यास्थ बहुलक कौन सा हो जाएगा? नियोप्रीन रबर हो जाएगा। रबर में इलास्टिसिटी होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फर्स्ट आ जाएगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन बॉडी? कौन शरीर में औषध कार्य के लिए लक्ष्य अणु नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन नहीं होते। ड्रग टारगेट, ड्रग का जो टारगेट है वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, आपके इसमें सेक्शन चेंज करते हैं, सेक्शन डी की बात करें। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन क्लोरीन? निम्न में से कितने यौगिकों में क्लोरीन होगा? आपको ये सारी स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में इन चैप्टर्स में जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको अच्छे से याद होगी, तो आप क्वेश्चन को इमीडिएट सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके पास सुक्रालोज क्लोरीन प्रेजेंट होता है, सैक्रीन में क्लोरीन नहीं होता है, बाइथायनॉल में क्लोरीन होता है, नियोप्रीन में क्लोरीन होता है, टेफ्लॉन में क्लोरीन नहीं, टेफ्लॉन में क्या रहता है? फ्लोरीन रहता है, टर्पीनियोल में भी क्लोरीन नहीं रहता है। तो 1, 2, 3 इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास इसमें? 3 आ जाएगा बेटा। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एस्पार्टम? एस्पार्टम आपके कहां से बनेगा? एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनाइन से बनता है और लास्ट में उसमें मिथाइल ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर है बेटा एस्पार्टम की, तो 1, 2, 3 और एक ये 4, टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है? टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर। द नंबर ऑफ कायरल एटम प्रेजेंट इन आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में कितने कायरल एटम प्रेजेंट है? आइसोल्यूसिन की स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। ये आइसोल्यूसिन की स्ट्रक्चर है, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर आपके पास कितने हो गए बेटा? 2। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स ऑब्टेंड फ्रॉम ग्लाइसिन फिनाइल एलेनिन एंड एलेनिन, इन तीनों से आपको कितने ट्राइपेप्टाइड मिल सकते हैं? 3, 6 ट्राइपेप्टाइड आप इससे बना सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर अपचायक शर्करा कौन है? जो मोनोसेकेराइड्स हैं, जो मोनोसेकेराइड्स हैं, तो आप पहले देखें मोनोसेकेराइड कौन से हैं। ये मोनोसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड है आपके पास, ये मोनोसेकेराइड है आपके पास, ये मोनोसेकेराइड है आपके पास, ये चारों तो मोनोसेकेराइड है। और डाइसेकेराइड में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो सुक्रोज नहीं होगा, माल्टोज आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5 हो गई आपके पास। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर होमो एडिशन पॉलीमर? होमो एडिशन बेटा, एडिशन भी होना चाहिए और वो होमो भी होना चाहिए। तो क्लोरोप्रीन नहीं है, क्लोरोप्रीन तो इसमें आंसर ही नहीं आ सकता है। नाइलोन 6 भी आंसर नहीं आ सकता है। पीवीसी, पीवीसी की मोनोमर यूनिट सारी यही होती हैं। ब्यूना एस एडिशन है लेकिन होमो नहीं, हेट्रो है। ब्यूना एस एक एडिशन पॉलीमर है लेकिन होमो नहीं है, हेट्रो है बेटा। टेरलिन में नहीं है तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा इसमें? 1। The number of compounds that gives positive test with sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate के साथ positive test कौन देता है? जिसमें carboxylic functional group हो, sulfonic functional group हो, इस तरह के। तो aspirin में नहीं होता है, stearic acid में होता है, picric acid, picric acid में carboxylic group नहीं है, लेकिन picric acid carboxylic acid से भी strong acid होता है।
और ग्लूटामिक एसिड, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर गैसियस एयर पॉल्यूटेंट? गैसियस एयर पॉल्यूटेंट आपसे पूछा है, SO2, NO2, ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब यहां पर आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको बेटा जी कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, NH2CH2CO। यहां पर देखें, ये एमाइड का भी हाइड्रोलाइसिस करना होगा, और ये जो यहां पर ईस्टर ग्रुप है, इस ईस्टर ग्रुप का भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एमाइड का भी एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है, और ईस्टर का भी एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है। तो आपसे पूछा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड बाय एज ए प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन। ये अमीनो एसिड आपको मिला है ग्लाइसिन। अब आपको पूछा है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या पूछी है बेटा, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, ठीक। When the following ketohexoses exist in cyclic pyrino structure, एक ketohexose दिया है, ये एक ketohexose है, और convert करना है इसको pyrinose में, pyrinose का मतलब है 6 member structure, 5 carbon 1 oxygen। तो इसके लिए मुझे 1, 2, 3, 4, 5 इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक पाइरेनोज स्ट्रक्चर मिलने वाला है। ये काइरेल है, ये काइरेल है, ये भी काइरेल है, ये भी काइरेल है, ये काइरेल नहीं है। तो कितने काइरेल कार्बन एटम है, काइरेल कार्बन आपको पता लगाना था, आंसर कितना आ गया आपके पास, 4। बात समझ में आ रही है? कीटो हेक्सोज को पाइरेनोज में कन्वर्ट करना है, फ्यूरेनोज में नहीं, किसमें कन्वर्ट करना है, पाइरेनोज 6 मेंबर में। How many polymers have monomers with conjugated diene? Conjugated diene वाले monomer कौन से हैं? Buna S के अंदर आपके पास conjugated diene वाला monomer present होता है। Buna N में भी यही same structure होती है। Neoprene के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा? ऐसा monomer लेना पड़ेगा। तो यहां भी कॉन्जुगेशन है। नेचुरल रबर, इसके मोनोमर में भी कॉन्जुगेशन मिलेगा बेटा। पीवीसी में कॉन्जुगेशन नहीं होता। ग्लिप्टल के मोनोमर के अंदर अपन बात करें, कॉन्जुगेशन डाईइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाईइन। तो ग्लिप्टल में भी इस तरह से कुछ भी नहीं है, तो आपके पास इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, डाईइन होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कौन सी है? ये आपको एनसीईआरटी में काफी सारे एग्जांपल हैं, जो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोनों के अलग अलग दिए हुए हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया की वाइड रेंज दोनों के लिए इफेक्टिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और दोनों में से किसी एक के लिए इफेक्टिव है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। तो ये नहीं होगा, एम्पिसिलिन हो जाएगा, एमोक्सिसिलिन हो जाएगा, क्लोरमफेनिकोल हो जाएगा, अफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, फ्यूरासिन नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, 4।
द नंबर ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा में क्या क्या एसिड प्रेजेंट होते हैं? H2SO4 प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है, HNO3 प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, ये नहीं होता है। तीन एसिड एसिडिक रेन में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन मेलेमाइन? मेलेमाइन में आपको देखना है कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। सिक्स नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन बेटा इसमें? सिक्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ वाइटामिन सोल्यूबल इन वॉटर, जल में घुलने वाले वाइटामिन इनमें से कितने हैं, ये आपको चेक करना है। तो वॉटर सोल्यूबल वाइटामिन बी होता है, वाइटामिन सी भी होता है, ए डी के जो है ये आपके पास फैट सोल्यूबल होते हैं, वॉटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी? टू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आपके जो डाउट हैं उनका सॉल्यूशन मिल गया होगा। पेपर को अच्छे से करें, जितने भी आपको आगे आने वाले पेपर मिल रहे हैं अच्छे से उनके लिए तैयारी करें बेटा, लगे रहें। तब तक लगे रहना है हमें जब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है। जय सीएलसी, थैंक यू।